का साइन अप पेज। इसमें जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज किए हैं हम लोग राइट, वो हमारा कुकीज वाला ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या आता है मालूम है, अब मुझे यहाँ पे राउटिंग करनी है, तो मैं npm i react router dom करूँगा। यहाँ पे आपके क्लाउड का नेम होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाउड नेम होगा यहाँ पे, जो हम अभी लागे डालेंगे। अब ये फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा राज भाई? बिकॉज मैंने बैकएंड में राउट बनाया नहीं है। अब ये इमेज वगैरह जो हम करेंगे वो अपलोड तो होगी ठीक है, लेकिन वो क्लाउड पे अपलोड होगी, बैकएंड में तो करना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बैकएंड भी कर लेते हैं। अब मैं इसको पूरा बैक करता हूँ, मैं सर्वर के पास आता हूँ एंड सर्वर में मेरे इंडेक्स और जेएस खोल लेता हूँ। अब मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा कोड लिखा है, अगर आपने नहीं देखा है आई गेस आप देखोगे, बट अगर आप डायरेक्टली इस पॉइंट पे स्किप कर रहे हो, हमने थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया, बाद में देख सकते हो। अल्सो मैं एक चीज़ आपको एक देता हूँ कि अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि इसके आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए, सो डैट मुझे ज़्यादा प्लान करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। पहले मुझे जितना याद आ रहा है मैं एक DB बनाऊँगा ठीक है, DB फोल्डर बनाऊँगा, और DB फोल्डर के अंदर डेटाबेस फोल्डर होगा, इसमें मेरा कनेक्शन और मेरे मॉडल्स की फाइल होगी। सिंपल कूल ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया था ठीक है, अब यहाँ पे DB करके मैंने फोल्डर बनाया सर्वर के अंदर ठीक है। मैं अब देखो सेव डिलीट कर देता हूँ उसको सर्वर के अंदर ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे DB करके फोल्डर बनाऊँगा ठीक है। अब इस DB के फोल्डर के अंदर क्या होगा, बेसिकली मेरे मॉडल्स होंगे बहुत सारे एंड DB के अंदर एक मेरी फाइल भी होगी, वो भी बना दूँगा ठीक है। DB के अंदर एक मेरी फाइल होगी connection.js या फिर con.js। अब connection.js के अंदर हम क्या करेंगे, कनेक्शन वाला जो डेटाबेस से कनेक्शन वाला कोड है छोटा सा वो लिख देते हैं, और मॉडल्स फोल्डर। अब मुझे और कुछ चीज़ें सर्वर में लगेंगी, सर्वर में और फोल्डर बनाऊंगा दैट इज़ कंट्रोलर्स ठीक है, कंट्रोलर्स ठीक है। फिर मेरा और एक फोल्डर होगा, वो होगा मेरा राउट्स ठीक है, मल्टीपल मेरे राउट्स आएंगे इसके अंदर। और क्या हो सकता है, और हो सकता है एक चीज़ है मिडलवेयर्स, होता है ना रिफ्रेश टोकन वेरीफाइड टोकन, तो वो क्या होता है मिडलवेयर्स होते हैं, तो उनके लिए अब ठीक है। अब मेरे राउट्स फोल्डर में एक होगी मेरी फाइल, लेकिन अब पहले कनेक्शन की बात कर लेते हैं। अब कनेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MongoDB के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और मैं MongoDB एटलास कर देता हूँ ठीक है। प्रोसेस आप आगे स्किप कर सकते हो ठीक है, आपको इसको गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेना है एंड बहुत इजी स्टेप है, आई गेस आपने बहुत लोगों ने किया होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को आगे स्किप करो। अब जब तक ये MongoDB का काम हो रहा है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं ना DB के अंदर कुछ मॉडल्स करके फोल्डर बनाया। अब हमारा एक ना यूज़र मॉडल कर लेते हैं, बिकॉज क्या होता है ना कि कोई भी हमारा जो डेटा बैकएंड में जाता है डेटाबेस में जाता है ना, तो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जाता है, तो क्या वो हम स्ट्रक्चर बनाए, येस बनाते हैं। हम user.js करके एक फाइल बनाएंगे। अब हम करेंगे, हमने याद है आपको हमने कुछ चीज़ें बुलाई थी, लाइक मोंगोज इम्पोर्ट किया था स्टार्टिंग में, अगर आपने नहीं किया तो कर लो। मतलब कॉन्स्ट मोंगोज इज इक्वल टू रिक्वायर ओके रिक्वायर मोंगोज ठीक है, मोंगोज को बुलाया, चलो कोई बात नहीं। अब हम बोलेंगे कॉन्स्ट यूज़र यूज़र स्कीमा बोलो मोंगोज और स्कीमा ठीक है, नए स्कीमा बना रहे, और ये जो स्कीमा है इसको हम क्या करेंगे, इसको स्कीमा को बना के हम कॉन्स्ट यूज़र नाम से इसको बोलेंगे मोंगोज ठीक है, मोंगोज डॉट मॉडल यूज़र ठीक है, यूज़र या फिर मैं इसको स्मॉल ही रख देता हूँ यूज़र, और यूज़र स्कीमा CHEMA यूज़र, अच्छा यूज़र स्कीमा SE, क्या चल रहा है यार मेरा, यूज़र स्कीमा कुल मतलब बेसिकली इस स्कीमा के थ्रू एक मॉडल बनाओ यूज़र नाम से और उसको यूज़र स्कीमा के थ्रू कर दो, इतना ही बात है। और यूज़र करके हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, मैं बोलूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, और मैं ऐसे करके इसको ये यूज़र दे दूँगा ठीक है। अब स्कीमा में मेरे क्या होगा, बेसिकली बहुत बेसिक है ठीक है, आपको अगर अभी तक ये नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप बेसिक देखो। देखो
आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी या फिर मेरे चैनल पे एक वीडियो बैक एंड इन 78 मिनट्स, उसमें ये सब कवर हो गया रहेगा, आप प्लीज़ एक बार देख लो, ठीक है। अब पहले मैं इस यूज़र को क्या क्या दूंगा, मैं इस यूज़र को स्कीमा में दूंगा उसका नेम। अब नेम क्या है, नेम का टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। और ये क्या है, मैं इसको रिक्वायर ट्रू कर देता हूँ, चलो, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं मिली साइन अप करने के टाइम पे या फिर जब रिक्वेस्ट आएगी तब ये एरर फेंकेगा MongoDB, ठीक है। दूसरा है मेरा ईमेल। अब ईमेल का टाइप क्या है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप बताना पड़ता है यहाँ पे। और ये क्या है, ये यूनिक ट्रू होनी चाहिए, मतलब हर एक का यूनिक ईमेल होता है ना, यूनिक UNIQUE यूनिक करूँगा मैं ट्रू, चलो। अब ये रिक्वायर्ड भी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू, ग्रेट। चलो थर्ड चीज़ क्या, मेरी पासवर्ड है। अब पासवर्ड क्या है, पासवर्ड का भी टाइप जो है मेरा दैट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिंग है। और ये क्या है, ये रिक्वायर्ड है भाई, पासवर्ड होता है क्या, कोई भी प्रोफाइल खोल के रिक्वायर या फिर रिक्वायर्ड ट्रू करूँगा, ठीक, पासवर्ड हो गया। लेस मैं याद है मैंने प्रोफाइल बनाया था, तो मैं प्रोफाइल बनाऊँगा, प्रोफाइल में बेसिकली होगा URL होगा, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग है, ये भी फर्स्ट ही आ रहा है, ये भी रिक्वायर्ड ट्रू है बिकॉज हमने ऑप्शन दिया है, राइट, उसको प्रोफाइल का URL वो आएगा जो क्लाइंट से एक्सेप्ट करेंगे। फिर आएगा पब्लिक आईडी का क्या होगा, टाइप है वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा, याद ना, जब हम करते हमने क्या किया था, फोटो अपलोड करने के बाद उसका URL और एक पब्लिक आईडी हमने ले लिया था, तो उसके लिए, ठीक है। और ये भी रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू। अब ये सब मैंडेटरी चीज़ है, ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और प्रोफाइल पब्लिक आईडी, इसके बिना तो आगे जाएगा नहीं, स्कीमा बनेगा नहीं, एरर फेंकेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसके कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। और चीज़ें क्या, ये क्रिएटेड ऐड है क्या, नहीं नहीं वो तो हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइम स्टैम्प थ्रू करके जनरेट करेंगे। वो कैसे जनरेट करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम स्टैम्प करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। अब हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे फेवरेट्स और डिसलाइक्स का एक बेसिकली ऐड बनाएंगे। अब ऐड है क्योंकि हमने आपको बताया था कि फेवरेट्स और डिसलाइक्स में चीज़ें ऐड हो रही है, बराबर ना, मैं लाइक करूँगा तो मेरे फेवरेट्स में वो ऐड हो जा रही है, फिर मुझे चैट में दिखेगा, तो दैट्स। और डिसलाइक मतलब क्यों, मैं डिसलाइक क्यों सेव कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी रिक्वेस्ट आए वापस से जो मेरे डिसलाइक में है वो मुझे दिखे ही नहीं उसके लिए, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत पानी पी लेता हूँ, ठीक है, कुल तो मैं बोलूँगा फेवरेट्स है। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे ना पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर सेव नहीं करूँगा, मैं पूरा का पूरा ऐसा पूरा एक मॉडल का जो पूरा डेटा होता है जैसे वो नहीं स्टोर करूँगा, मैं सिर्फ उसकी आईडी स्टोर करूँगा। एंड देन जब भी मैं फेवरेट्स को कॉल करूँगा तो मैं उस आईडी के थ्रू वो पूरे डेटा को पॉपुलेट करूँगा। सिंपल बेसिकली क्या होगा, फेवरेट्स में मेरा एक ये होगा लाइक, ठीक है, मैं सिर्फ एक आईडी स्टोर करूँगा, आईडीज लोगों की सिर्फ मैं आईडी स्टोर करूँगा, मैं उनका पूरा डेटा स्टोर नहीं करूँगा, मैं उनकी सिर्फ आईडी स्टोर करूँगा। और जब भी मुझे उनकी ज़रूरत है, जब मैं गेट फ्रॉम फेवरेट्स वगैरह कुछ करूँगा, तो मैं क्या करूँगा उस आईडी के थ्रू पूरा उनका डेटा जो पॉपुलेट करूँगा। सिंपल बात, बहुत सिंपल है। अब देखो मुझे फेवरेट क्या है, मुझे टाइप क्या बनाना है, मुझे उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है mongoose.schema. जो टाइप्स है क्या कुछ सजेशन यार, स्कीमा डॉट उसके ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, ये। और ये रेफर कहाँ पे कर रही है, ये यूज़र मॉडल को कर रही है, यूज़र मॉडल कौन सा, यही मॉडल, क्योंकि मेरे यूज़र्स ये ना सब, तो सबके पास ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है, ये बात है। अब मेरा एक और है डिसलाइक, मैं इसको डिसलाइक करके बनाता हूँ, और ये भी क्या होगा, ये भी सेम होगा, ठीक है। अब बात क्या है, अब अगर मैं इसमें कोई भी आईडी ऐड करूँ तो वो सिर्फ अकेली आईडी ऐड हो जाएगी, क्यों भाई, क्योंकि सिर्फ ये यहाँ पे ऐसा सिर्फ बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक आईडी स्टोर कर सकते हो, बट मुझे क्या चाहिए, मेरे में मल्टीपल फेवरेट्स रहेंगे, मैं मल्टीपल लोगों को डिसलाइक करूँगा, तो मैं बेसिकली इसको एरे वाले ब्रैकेट्स में रैप करूँगा, कुल। अब जैसे मैं इसको एरे वाले ब्रैकेट्स में रैप कर रहा हूँ, ये एज अ एरे स्टोर हो जाएगा, एरे। तो अब मैं जो भी आईडी ऐड करूँगा वो लॉजिक तो हम इसके पे लिखेंगे, बट वो हम इसको पुश पॉप करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जितना मुझे स्कीमा बनना चाहिए उतना बन गया स्कीमा, ठीक है। अब हम जाते हैं, मुझे डन है, ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, एंड न्यू प्रोजेक्ट होगा मेरा सिंपल कोड डेट डेटा नहीं कोड डेट यूट्यूब। मैं इसको एक टैक्स वगैरह दूंगा क्या, मैं इसको उसमें सिंपल मैं नेक्स्ट करूँगा, मैं टैक्स भी देना नहीं है। कोड डेट यूट्यूब प्रोजेक्ट का नाम है,
ये ओनर है, मैं कर रहा हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट, मुझे किसी मेंबर को बिल्कुल ऐड नहीं करना। अब जब तक ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू लोड हो रहा है, देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्रिएट अ क्लस्टर करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। और क्रिएट अ क्लस्टर, तब तक हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन फंक्शन बना लग सकते थे उसमें कुछ। अब मैं यहाँ पे देखो मुझे बताना है यहाँ पे कौन सा क्लस्टर, तो मैं फ्री वाला चूज़ करूँगा, पैसे तो बिल्कुल देने नहीं है और है भी नहीं। और मैं बताऊँगा यहाँ पे कि क्लस्टर नाम इसका क्या है, आप चेंज कर सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे चेक करना है यहाँ पे प्रोवाइडर कौन सा है, मुझे कोई भी चलेगा, आपके आसपास का सर्वर। जो जिससे आपको फटाफट जो है सर्विस प्रोवाइड मतलब सर्विस अच्छी मिले, ठीक है। तो ये हम ये कर रहे हैं, अब ये करेगा। अब देखो ये बता रहा है कि तुम्हारा यूज़र नेम और पासवर्ड ये है, तो हम क्या करते हैं फटाफट से एक ENV फाइल बनाते हैं यहाँ पे बैकएंड में, ठीक है, सर्वर के अंदर एक फाइल बनाते हैं .env, .env, और आई गेस मैंने .env किया। .env फाइल में मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्टली ना ये चीज़ को सेव करके रखता हूँ, क्या पता नहीं है किसी के पास, पेस्ट करता हूँ। ये क्या है मेरी, ये मेरी पासवर्ड है, ठीक है, और ये मेरा यूज़र नेम है, तो उसको भी सेव होगा, ठीक है। चलो कुल अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस यूज़र हो गया, ठीक है। चलो चूज़ अ कनेक्शन मेथड करूँगा मैं ड्राइवर्स जाऊँगा यहाँ पे, और मैं बेसिकली देखो, अरे यार मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मिला, ये पूरी चीज़ को कॉपी करूँगा। एंड मैं यहाँ पे मेरे ENV में डायरेक्टली बताता हूँ कि मोंगो URI करके मेरे की है, ये है ना, ठीक है, मोंगो MONGO URI, तो उसमें मैं ये पूरे के पूरे कनेक्शन स्ट्रिंग को डालूंगा। ओके कुल, अब इसमें यूजुअली कुछ कुछ चीज़ में आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दिखने नहीं मिलता, यहाँ पे एंटर मिलता है, तो आपको क्या करना है, फटाफट यहाँ से आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रिप्लेस करना। और यहाँ पे जो है मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा कोड डेट, ठीक है। यहाँ पे .NET के साथ जो स्लैश है, ठीक है, .NET के साथ जो स्लैश है वहाँ उसके आगे आपको आपके डेटाबेस का नाम लिखना है, तो मैं बोला कोड डेट YouTube भी लिख सकता हूँ, ऑलरेडी कोड डेट यूट्यूब मेरा बड़ा, ठीक है, एक पूरा है, एक डेटाबेस है, इंस्टेंस है, उसके अंदर कोड डेट करके कुछ है। अब ये हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस URI को, मैं अभी इस चीज़ को उठा देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे कुछ कुल। अब मुझे क्या करना है, मुझे अभी कनेक्शन वाला फंक्शन बनाता है, तो मैं कनेक्शन डॉट जेएस पे आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि कौन कनेक्शन इज इक्वल टू एसिंक फंक्शन होगा मेरा ये, या फिर मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कौन कनेक्ट DB, ये कनेक्ट DB करके एक फंक्शन है, एसिंक फंक्शन है, या फिर कनेक्ट DB करके एक सादा फंक्शन होता है, ठीक है। अब कौन कनेक्ट DB करके एक फंक्शन है मेरा, अब मैं उसमें एक काम करता हूँ ना, मैं बेसिकली डीबी करके ये मैं इसको एसिंक बनाता हूँ और अवेट अवेट करके काम काम भारी कर, ठीक है। अब मुझे इसके लिए कुछ मोंगूज चाहिए रहेगा, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट मोंगूज रिक्वायर मोंगूज, ठीक है, मोंगूज। अब बात क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं बात, ठीक है, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट कनेक्शन करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट कनेक्शन इज इक्वल, अच्छा मोंगूज और कनेक्शन नहीं, कौन सा कनेक्शन है, ठीक है, चेक करो UBS, ठीक है, ठीक है, कनेक्शन कनेक्शन इज इक्वल टू अवेट मोंगूज डॉट कनेक्ट, और ये ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हुआ, बोला एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल बनाया, उसको बोला अवेट मोंगूज के अंदर एक कनेक्ट मेथड होता है और उसके अंदर ये URL है। अब ये क्या है, प्रोसेस डॉट ENV डॉट मोंगो URL, मतलब ENV है, प्रोसेस डॉट ENV है, उसके अंदर मोंगो URI है, ENV के अंदर जो मोंगो URI करके हमने की बनाई ना, उसके आगे जो भी हमने स्ट्रिंग डाली वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि इफ़ इफ़ कनेक्शन कनेक्शन डॉट स्टेट्स होते हैं उसके कैपिटल में, स्टेट्स डॉट कनेक्टेड है,
तब क्या कर दो, तब ना एक कंसोल डॉट लॉग हो क्या है कि कनेक्टेड कनेक्टेड टू द डेटाबेस डेटाबेस ठीक कुल। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो, मैं बोलूँगा इफ का कनेक्ट एरर नहीं, मैं बेसिकली मैं यहाँ पे स्टेट्स डॉट डिसकनेक्टेड दिखाऊंगा। पहले तो ये बताऊंगा, चलो और मैं हाँ ये ऐसे भी हो सकता, और डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा ठीक है। अब ये फंक्शन मैंने बना लिया, बट मुझे इस फंक्शन को बाहर यूज़ करना है, तो मैं बोलूँगा मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स कनेक्ट डीबी। अब इस फंक्शन को मुझे कहाँ पे यूज़ करना है, तो इस फंक्शन को मुझे यूज़ करना है इंडेक्स और जेएस के अंदर टू शो माई कनेक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंडेक्स और जेएस पे आता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली मैं कहीं से तो मैं कनेक्ट डीबी कर लेता हूँ, मैं इंक्लूड करूँगा। एक्चुअली मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और अलावा कॉन्स कनेक्ट डीबी, एक्चुअली कनेक्ट डीबी, एक्चुअली अभी सजेशंस तो आना आ जाना चाहिए मुझे डीबी, ठीक है चलो सजेशंस नहीं तो हम खुद टाइप कर लेते हैं। रिक्वायर डॉट स्लैश ओके डॉट स्लैश डीबी स्लैश कनेक्शन ठीक है। अब इस कनेक्शन के अंदर से मुझे कनेक्ट डीबी फंक्शन मिल रहा है, इस कनेक्ट डीबी फंक्शन को मुझे यूज़ करना है, तो मैं उसको कहाँ पे यूज़ करूँगा, सो उस कनेक्ट डीबी के अंदर हम एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ कहाँ पे, रुको रुको, सर्वर मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, मैं वैसे किसी नहीं, मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कनेक्ट डीबी, क्योंकि नीचे मैं ना राउट्स बनाऊँगा सब ठीक है कुल। अब एक काम करते हैं कि जब हम इसको यूज़ ही करने वाले हैं तो हम क्या करते हैं, ऐप डॉट यूज़ मैं बोलूँगा एक्सप्रेस डॉट जेसन भी कर दो ठीक है, क्योंकि हम जो डेटा पास करेंगे वो एक्सप्रेस में होगा, और ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन जब करता है तो हम हमारा बैकएंड रेडी हो जाता है जेसन डेटा लेने के लिए कूल। अब कनेक्ट डीबी फंक्शन भी कॉल हो रहा है, अब हम क्या करते हैं इस ईएनवी फाइल को रिक्वायर भी करते हैं, बिकॉज मैंने कहीं पे रिक्वायर नहीं किया है, मतलब मेरे इंडेक्स और जेएस को बताया नहीं है, मेरे बैकएंड के ऐप को बताया नहीं है कि तेरी ये फाइल है कनेक्टेड भी है, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास एक डॉट ई एन वी पैकेज इंस्टॉल है क्या, डॉट ई एन वी है इंस्टॉल नहीं है, तो मुझे डॉट ई एन वी पैकेज जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ये मेरा एक टर्मिनल है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा सी डी डॉट डॉट करूँगा और सी डी सर्वर करूँगा ठीक है। यहाँ पे मैं एन पी एम आई डॉट ई एन वी ठीक है, पैकेज का नाम ही डॉट ई एन वी है, अभी इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। और मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लगाना है कि रिक्वायर करना है आर क्यू यू आई आर ई रिक्वायर डॉट स्लैश डॉट नहीं एक्चुअली डॉट है ना डायरेक्टली कहाँ पे यार डॉट ई एन वी ठीक है, इसको रिक्वायर करना है और डॉट कॉन्फिग कर देना है, बस इतना ही काम है। चलो गुड, अब मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ करनी है, क्या चीज़ करनी है राज भाई ज़रा बताओ। अब भाई तुम्हें चीज़ ये करनी है कि आपको नेटवर्क एक्सेस के ऊपर आना है ओके, और यहाँ पे आपको ऐड आईपी एड्रेस, या फिर इस आईपी एड्रेस को आप डिलीट कर सकते हो कोई बात नहीं ठीक है। अब आप पे ऐड आईपी एड्रेस करना है एंड इसको अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर देना है ठीक है, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या, आप अभी के लिए यहाँ पे आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हो, बट जब आप उसको होस्ट करोगे वगैरह तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आप देखते हो कि होस्ट करने के बाद आपका डेटा आ रहा ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर कंसोल में बहुत एरर्स, उससे अच्छा अलाउ एक्सेस फ्रॉम आईपी एक्सेस फॉर एनी मतलब अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनी वेयर कर दो, काम इजी। अब ये पेंडिंग होके कुछ टाइम पे आपके बाद एक्टिव दिखाएगा, यस अब आप रेडी हो एक्सेस करने के लिए ठीक है कुल। मेरा कॉन्फ़िगरेशन वाला भी जो चीज़ है वो डन हो गया है ठीक है डन। चलो अब क्या बचता है, अब मुझे यहाँ पे राउट्स बनाने हैं ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोर्स भी सेटअप ही कर लेता हूँ, सो दैट मुझे बाद में कुछ एरर्स ना आए। अब मैं यहाँ पे कोर्स सेट करने के लिए मैं ऐप डॉट यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा सिंपल कोर्स ठीक है, कोर्स ऊपर हमने इंपोर्ट किया है कोर्स को ठीक है। अब इस कोर्स को से कॉल करूँगा, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दूंगा एंड आई से कि कोर्स का जो ओरिजिन है ना उसको मैं अभी के लिए ऑल अलाउ कर देता हूँ, ऑल अलाउ मतलब
इस बैकएंड सर्वर को कोई भी फ्रंट एंड अगर रिक्वेस्ट मारे तो काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राउट्स बनाऊंगा, एक राउट डॉट जेस फाइल बना दूंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे बहुत सारे राउट होंगे। राउट डॉट जेस फाइल बनाएंगा, और ये राउट डॉट जेस फाइल कैसे बनती है, मैं बोलूँगा कि कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, रिक्वायर एक्सप्रेस किया, और हम बोलेंगे कि कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर होता है। ठीक है, राउटर करके होता है ये, और हमें सिंपल क्या करना पड़ता है कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर। ठीक, अब ये दो लाइन अगर आपको लिखनी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली क्या कर सकते हो, मैं बोलता हूँ आप यहाँ पे डायरेक्टली राउटर ऐड करो। ठीक है, और इस नाम को इस नाम से रिप्लेस कर दो, डायरेक्टली राउटर आपका आ जाएगा। सिंपल कुल अब यहाँ से मल्टीपल राउट्स बनाऊंगा, लेकिन इस फाइल को मैं यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ। अब मैं इसको लिंक कैसे करूँगा, देखो आपको क्या करना है, ऊपर आना है। ठीक है, देखो ये बाय डिफॉल्ट वाली जो फाइल है ना, उसको आपको ऐसे ही छोड़ना है। ठीक है, इसके साथ बंकस नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ना है। और मैं क्या करता हूँ, मैं सॉकेट आयो का जो फाइल है ना, उसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, और मैं इसको थोड़ा नीचे ला के पेस्ट करना चाहूँगा। अब मैं ना इसके नीचे ऐप डॉट यूज़ करूँगा, ऐप डॉट यूज़ करूँगा, और बताऊँगा स्लैश एपीआई के आगे जो भी इस फाइल में राउट्स होंगे। अभी कौन से फाइल में, तो ये रिक्वायर करो। ठीक है, रिक्वायर करो ये फाइल कौन सी, डॉट स्लैश राउट्स में जो ये राउट है ना, इस फाइल के अंदर जो भी राउट है ना, वो स्लैश एपीआई के आगे ऐड जाए। अब ये राउट डॉट जे एस ऐसी फाइल है जिसके अंदर मैं सब राउट्स डालूंगा। ठीक है, हाँ सी, अब हमें क्या करना है, हम बेसिकली इस इंडेक्स डॉट जे एस से फेमिलियर है, हमारा काम हो जाएगा। मैं इंडेक्स डॉट जे एस को क्लोज कर रहा हूँ, राउट डॉट जे एस रहने दो। अब हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन साइनअप वाला काम मेन करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऑथ कंट्रोलर सी आर ओ डब्ल्यू आई कंट्रोलर जे एस करके फाइल बनाऊंगा, एंड उसके अंदर मैं सब चीज़ों को करूँगा। अब मैं यहाँ पे साइनअप फंक्शन बनाऊँगा। पहली बात, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, पहले कौन यूज़र मॉडल के, और कॉन्स्ट मैं यहाँ पे ऐसे करके देखता हूँ, यूज़र करके इम्पोर्ट हो रहा है क्या, नहीं इम्पोर्ट हो रहा है, तो मैं इम्पोर्ट यूज़र फ्रॉम, अच्छा इम्पोर्ट नहीं आना चाहिएगा यहाँ पे, कॉन्स्ट 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 यूज़र इज इक्वल टू रिक्वायर क्यू आई आर रिक्वायर डॉट स्लैश फिर डॉट डॉट स्लैश, यहाँ पे पूछ रहा है ई एस मॉड्यूल में कवर करें, रिक्वायर करके है। ठीक है, तो डॉट डॉट स्लैश डी बी स्लैश मॉडल स्लैश यूज़र जो है यूज़र यूज़र और डेस बेसिकली। अरे यार सजेशन सजेशन आ जा सजेशन ये, तो ठीक है। थर्डली चलो, अब मुझे कुछ और चीज़ें की ज़रूरत है, लाइक बीक्रिप्ट और जे डब्ल्यू टी की, तो हम वो भी कर लेते हैं। कॉन्स्ट बीक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर करेंगे वायर बीक्रिप्ट। ठीक है, बीक्रिप्ट और कॉन्स्ट जे डब्ल्यू टी इज इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर जेसन वेब टोकन, थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन लिखना तो पड़ेगा। कुल चल, अब मैं फंक्शन बनाता हूँ मेन, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट साइनअप इज इक्वल टू एसिंक फंक्शन होगा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ओके, मिडलवेयर नहीं है तो हम नेक्स्ट ऐड नहीं करेंगे, बट हो गया। ठीक है, ये साइनअप फंक्शन। अब साइनअप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, ये बेसिकली कुछ चीज़ों को लेगा। अब वो कौन सी चीज़ों को लेगा, मैं बोलूँगा नेम को लेगा, ईमेल को लेगा, पासवर्ड को लेगा, एंड प्रोफाइल को लेगा, प्रोफाइल में यूआरएल आएगी बेसिकली, और आएगा पब्लिक आईडी, इन चीज़ों को लेगा। अब कहाँ से लेगा, ये बड़ी बड़ी दिक्कत है, तो वो कहाँ से लेगा वो दिक्कत भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो वो क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से वो चीज़ को लेगा। कुल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लिया, सब प्रॉपर है, यस। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्राई कैच लगाते हैं, बराबर। ठीक है, ट्राई कैच लगाएंगे, सो बेसिकली ट्राई कुछ सजेशंस फटाफट आ रहे हैं, यस। अब अगर कुछ एरर आता है तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न करेंगे
रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस जो है वो करेंगे 500, डॉट जेसन करेंगे और हम बोलेंगे सक्सेस, सक्सेस फॉल्स, और मैसेज जो होगा वो होगा एरर ERROR डॉट मैसेज। ठीक है, अब मैं कोई चीज़ बताऊँ, जब आप इसको डिप्लॉय करोगे ना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि मैसेज के आगे ना आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स में लिख दो इंटरनल सर्वर एरर डैट, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि अगर कोई एरर आया भी तो मेरे क्लाइंट को वैसे के वैसे एरर मिल जाए। ठीक है, तो हम वो नहीं चाहेंगे, इंटरनल सर्वर एरर इज़ ओके फाइन। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, लेट यूज़र इज इक्वल टू, पहले हम फाइंड करेंगे कि क्या इस नंबर से, इस ईमेल से जो मैं साइन कर रहा हूँ क्या वो एग्जिस्ट करता है। मैं कैसे करूँगा, यूज़र डॉट फाइंड वन करूँगा और उसके अंदर फाइंड वन करूँगा और उसके अंदर इस ईमेल को दूंगा, इस ईमेल से फाइंड करो। हाँ, तो अगर भाई कि अगर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या, तुम्हें एरर भेजना चाहिए, एक उसको मैसेज भेजना चाहिए कि तू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो साइन अप कर ले, तो लॉग इन कर ले। तो बेसिकली क्या करूँगा, 40 का स्टेटस डालूंगा एंड देन उसको मैसेज क्या भेजूंगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं, मैं उसको डायरेक्टली बोल रहा कि तू भाई तू साइन अप है तो प्लीज़ लॉग इन, प्लीज़ लॉग इन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पासवर्ड को हैश कर देता हूँ। मैं बोलूँगा हैश पासवर्ड इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा कि अवेट बीक्रिप्ट BCRYPT डॉट हैश करो, ओके है बीक्रिप्ट डॉट हैश करो, किस पासवर्ड को, ये पासवर्ड जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, और सॉल्ट राउंड 10 दे दो। ठीक है, 10 दे दो। अब सॉल्ट राउंड क्या होते हैं, अब यार ये सब एक्सप्लेन करने जाऊँगा ना तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियोज ही देख लो ऑथेंटिकेशन की, उसके ऊपर अच्छा है। सॉल्ट राउंड मतलब आपका पासवर्ड है ना, तो उसके ऊपर कुछ तो मैं ऐसी कुछ चीज़ें डालूंगा जिससे आपका पासवर्ड अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, कुछ ये चीज़। ठीक है, सो बीक्रिप्टेड हैश किया पासवर्ड को, और अभी मैं चेक करता हूँ कि यूज़र के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा अवेट यूज़र डॉट क्रिएट। ठीक है, बहुत सारे लोगों की बात होती है कि आप यहाँ पे भी यू कैपिटल कर देते हो, यू स्मॉल कर देते हो, लेकिन भाई ये यूज़र मॉडल यहाँ पे आ रहा है, ना कि ये यूज़र का जो वेरिएबल है वो। ठीक है, सो स्टे अलर्ट, यूज़र क्रिएट करना है आपको, और क्रिएट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आपको कौन सा, इस नेम से क्रिएट करना है, इस देखो नेम से क्रिएट करना है आपको, सब डेटा जो है ये सब सेम मिलेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, पासवर्ड की जगह पे आपका जो हैश पासवर्ड है वो डालना है। ठीक है, कुल अब मैं क्या करना है, जैसे कि क्रिएट किया, मैं बोलूँगा अवेट यूज़र डॉट सेव, अब ये वाला दो मिनट, अब ये वाला यूज़र क्या है, ये बेसिकली ये है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये इसने डिटेक्ट नहीं किया गया अभी तक, मेरा VS कोड मेरा स्लो हो गया, हाँ हो गया। चलो, जैसे यूज़र बनता है आई विल बी रिटर्निंग समथिंग लाइक रिटर्न रेस्पॉन्स और स्टेटस 201 जेसन सक्सेस ट्रू, और मैं यहाँ पे यूज़र नहीं भेजूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भेजूँगा, ये जी मैसेज क्या होगा, यूज़र क्रिएटेड या फिर साइन अप सक्सेसफुल, सिंपल साइन अप सक्सेसफुल। चलो ठीक है, क्या हम ही काम हो गया, नहीं काम नहीं हुआ, अब हमें इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल आके मैं इसको कॉन्स्ट साइन, अच्छा ये नहीं, मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट exprts इज इक्वल टू, फंक्शन को मुझे बाहर भेजना है तो मैं इसके अंदर भेज रहा हूँ, मॉड्यूल डॉट exports इज इक्वल टू साइनअप किया SIGNUP बराबर साइनअप, हाँ बराबर। अब मैं राउट में बताऊँगा सिंपल बात कि क्या करना है। अब पहली बात मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ ऑथेंटिकेशन राउट्स आएंगे मेरे यहाँ पे, राउट्स ऑथेंटिकेशन राउट्स आएंगे, और यहाँ पे आएंगे मेरे यूज़र राउट्स। यूज़र राउट्स मतलब क्या हो गया, यूज़र के मतलब गेट यूज़र्स हो गए, ऐड टू फेवरेट, रिमूव फ्रॉम फेवरेट, गेट फ्रॉम फेवरेट्स, वो सब राउट। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर डॉट गेट करूँगा, एक्चुअली पोस्ट राउट है ना, तो राउटर डॉट पोस्ट करूँगा कहाँ पे, स्लैश साइनअप। क्या स्लैश साइनअप का मतलब ये है कि लोकल होस्ट 5000 स्लैश साइनअप, नहीं, लोकल होस्ट 5000 स्लैश API स्लैश साइनअप, बिकॉज इन दस में अगर हम जाते हैं तो आप देखोगे कि स्लैश एज ए एक्सटेंशन, स्लैश API एज ए एक्सटेंशन आगे ऐड हो गया। ठीक है, सो स्लैश साइनअप हो गया, और उसके अंदर कौन क्या आ जाए, ये जो मेरा साइनअप फंक्शन है ना वो, इसको इम्पोर्ट का ऑप्शन फटाफट मिल देखो, तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा बेसिक साइनअप वाला तो काम डन है, अब मैं क्या करता हूँ, नोड मॉन
नोड मॉन इंडेक्स और जेस कर लेता हूँ। अब नोड मॉन इंडेक्स और जेस किया मैंने, सर्वर स्टार्ट हो गया, गुड है, अच्छी बात है। अब मैं कूल अब मैं आता हूँ कहाँ पे, मेरा क्लाइंट का ऑलरेडी मैंने काम डन कर दिया, तो मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगा क्या सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यस, मेरा कनेक्टेड टू डेटाबेस वाला कुछ आया क्या मैसेज, सर्वर रनिंग एट पोर्ट आया, कनेक्टेड टू डीबी नहीं आया ना, मेरा कनेक्शन ठीक है, कनेक्ट डीबी, कनेक्शन डीबी, रुको कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। लेट मी सी क्या प्रॉब्लम हुआ। तो ये प्रॉब्लम बता रहा है कि तुमने कोई ऐसा, ओके ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर नेटवर्क एक्सेस के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। मैं एक बार, हाँ आईपी एड्रेस तो सबका है, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं डेटाबेस में आके मैं कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये मॉनिटर विल भी, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ एक श्योरिटी के लिए, ठीक है। ये क्या मॉनिटर मॉनिटरिंग विल बी अवेलेबल सो क्लस्टर इज रेडी टू यूज़, ओके कूल। तो मैं इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, कहाँ पे ऑथेंटिक प्रोसेस वाली फाइल आ रही है क्या, आ रही रहेगी, ENV में चेक कर रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। मैच्योरिटी एंड ये तो हो गई, सब तो सेम है भाई, सब तो सेम है। हाँ देखो पासवर्ड मेरा यहाँ तक अगर डालूँ, सब सेम है ना, तो प्रॉब्लम क्या है। मैं इसको पूरा का पूरा कट कर रहा हूँ, ओके मैं इसको कुछ ऐसे दे रहा हूँ। अब देखते हैं, मैं इसको फॉर सेफ्टी पर्पजेस ऐसे कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे बताऊँगा भाई चल कोड डेट करके बनेगा, चले इसको सेव कर लेते हैं। इस ऐप को वापस से एक बार नोड मॉन इंडेक्स और चेस करते हैं, एक बार देखते हैं अभी क्या उसका कनेक्शन बन रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है क्या। सर्वर इज रनिंग ऑन पुट 5000 आ गया। अब कनेक्शन डॉट जे एस में मैंने बताया था कि मैं डीबी, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, प्रोसेस डॉट ENV डॉट मोंगो URI कर देता हूँ। अब मुझे देखेगा कि क्या आ रही है, मोंगो URI मेरी क्या आ रही है, दिस कुड बी सम प्रॉब्लम्स, क्या करूँ। देखो फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन नहीं कॉल हो रहा है क्या, कनेक्ट डीबी करके कुछ आ रहा है, ठीक है कनेक्ट डीबी आ रहा है, और मैं कनेक्ट डीबी को कॉल भी कर रहा हूँ। उसके आगे मैंने डॉट ENV डॉट कॉन्फिग भी किया है, तो प्रॉपरली आना चाहिए। मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन हो गया मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करता हूँ, फॉर टू चेक द दैट URL इज प्रॉपरली वर्किंग, मतलब मुझे चेक करना ENV फाइल प्रॉपरली लिंक्ड है कि नहीं। हाँ देखो URL प्रॉपरली है, मतलब लिंक्ड है फाइल, फाइल लिंक्ड है। कनेक्ट डीबी फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मोंगूज मोंगूज प्रॉपर है,
आ रही क्यों, आ रही रिक्वायर मोंगूज हो रहा है प्रॉपरली। हाँ हो रहा है, ठीक है। कनेक्ट मोंगूज करके मैं कनेक्शन इज अकॉल अवेट मोंगूज डॉट कनेक्ट किया सॉरी एन वी डॉट इफ कनेक्शन डॉट स्टेट्स। मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को, अरे यार कभी ऐसे ही तो एरर नहीं आया। मैं कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन करता हूँ, मैं फिर लॉक करता हूँ। मुझे समझे क्या एक्चुअली हो रहा क्या है भाई। कनेक्शन छोटे मोटे एरर्स बट कनेक्टेड टू डेटाबेस दिखना चाहिए ना। अरे मेरे भाई मैं ऐसे इसको कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। अभी देखते क्या हो रहा है। डूड सर्वर रनिंग एट पुट 5000 आ गया। डेटाबेस एक्सेस वगैरह देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉपर है, अलाव एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर भी तो किया है तो उसका कुछ आईपी का तो इशू आना नहीं चाहिए। ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है क्या। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एम ओ डी यू एल ई डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू कनेक्ट डी बी। कनेक्ट डी बी प्रॉपरली दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अगर कनेक्ट डी बी को वापस से कॉल को अब कनेक्ट डी बी भी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली कॉल होगा ना। चलो ठीक है, आगे का तो काम करके देखते हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बट अभी तक तो मैसेज आना चाहिए था डीबी के लिए। और ठीक है चलो आगे देखते हैं हम लोग कि आगे वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके बाद की बात बाद में। चलो एक बात ठीक है, अब मैं वीट के क्लास पास आता हूँ और मेरा अभी राउट वगैरह सब फिक्स है मुझे पता है। और मेरा ऐप भी रनिंग होना चाहिए, मेरा ऐप रनिंग है, यस इट्स द इंस्टेंस इज रनिंग, ठीक है। अब मैं साइन अप करने जा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई मैं करके रखता हूँ फॉर सेफ्टी पर्पजेज, अगर कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में मुझे पता चले। अब मैं नेम क्या डालता हूँ, मैं नेम सिंपल डालूँगा, मैं टेस्टर डालूँगा और मैं ईमेल डालूँगा टेस्ट। ओके मैं यहाँ पे नेम का थोड़ा सा प्रॉपर करूँगा, मैं टेस्टर ओके टेस्टर एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम, ठीक है। और मैं पासवर्ड डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योर लगता है फॉर वीडियो पर्पजेस, ठीक है। चूज़ फाइल करूँगा, अब मैं प्रोफाइल चूज़ करूँगा। अब देखो मैं मेरी बात देखो, मेरी पहली बात मैं ऐसे बड़ा फ़ोटो कोई तो सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। देखो इमेज साइज मस्ट बी लेस देन 1 MB, ठीक है समझ गए आप, एरर आ गया। अब मैं चूज़ फाइल कर रहा हूँ और मैं कोई तो सारी फाइल ये करता हूँ, टेस्टर का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए तो ये डाल दूँ क्या, चलेगा मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी ये 1 MB से कम की फाइल है, अब यहाँ पे ये सेलेक्टेड आ जाएगी ना। क्या हुआ यार, यहाँ पे फाइल सेलेक्ट हुई कि नहीं वो भी नहीं समझ रहा। अच्छा हुई है फाइल सेलेक्टेड, बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मैंने कर दिया वहाँ पे कि मैं इन मेन डॉट इन कहाँ पे था, पेजेस में साइन अप पे था। साइन अप में मैंने बेसिकली सब कुछ कर दिया, सिर्फ मैं बताना ये भूल गया कि इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट है, ठीक है। तो उसका टेक्स्ट है वो वाइट है, सो अभी अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो अभी वो फाइल सेलेक्ट हो गई, उसका तो दिखेगा आपको। हाँ अब मैं जैसे इसको साइन अप कर रहा हूँ, कुछ हुआ क्या भाई, कुछ हुआ क्या, एबल टू सी समथिंग कुछ, या कुछ हुआ ही नहीं। मैं ऑन साइनअप को कॉल किया क्या, ऑन क्लिक पे ऑन सबमिट हो रहा था, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ, ठीक है। बस साइनअप कॉल कर रहा हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ फॉर माय सेक ऑफ। ओके
हैंडल इमेज चेंज हो रहा है, मैं बटन पे सबमिट कर रहा हूँ एंड ऑन सबमिट पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इंक्लूड इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा ईमेल डॉट इंक्लूड इज नॉट अ फंक्शन आ रहा है क्या यहाँ पे? एरर है, इंक्लूड से क्या फंक्शन है ना इसमें, इंक्लूड्स, हाँ ऐसा है शायद। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा इसको कुछ अलग वे में देखते हैं। लाइक मैं नेम डालूँगा, टेस्टर डालूँगा और मैं इसको कैप्स में रखना हूँ, टेस्टर टेस्ट एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम। ओके, टेस्टर एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम किधर है? टेस्टर डॉट कॉम, ठीक है, TES डॉट कॉम, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फाइल को मैं वही सेलेक्ट करूँगा, आई गेस वो अपलोड हो गई रहेगी लेकिन फिर भी मैं सेलेक्ट करूँगा इस फाइल को, साइन अप करूँगा। अब मुझे यार नेटवर्क में, अच्छा मैं इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा, तो मुझे यहाँ पे आ गया ऑल पे, देखो अपलोड, देखो इमेज अपलोड हो रहा है ठीक है, लेकिन साइन अप पे क्या इशू आ रहा है वो देखते हैं। अब साइन अप पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि क्रॉस ओरिजिन वाला इशू दिखा रहा है। ओके, पेलोड है इसमें, देखो देखो मेरा प्रोफाइल का ये आईडी और ये दोनों भी जा रहा है, प्रीव्यू रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आ रहा है, और बैकएंड में देखते हैं एक्चुअली क्या इशू है। बैकएंड में कुछ तो इशू आया, मेरा नोटबुक क्रैश हो गया यहाँ पे, और क्या आया, सर्टिफिकेट इज़ नॉट येट वैलिड, क्या है ये? न्यू सर्वर कुड नॉट, अब ये बता रहा है कि तुम्हारा आईपी जो है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड आईपी एड्रेस करता हूँ ठीक है, अब मैं अलाव ऐड करंट आईपी एड्रेस कर रहा हूँ, ऑप्शनल में इसको, ठीक है अभी देखता हूँ ना क्या प्रॉब्लम है। जो पहला वाला आईपी था, प्रॉब्लम क्या है इसके पास वो मुझे देखने दो। कूल cool. अब अगर मैं वापस से इफ़ आई ट्राई, ठीक है मैं इस सर्वर को, चल इन नोटबॉन इंडोज और एडजस्ट किया, पोर्ट 5000 ठीक है, हाँ अब अगर वापस से मैं इस चीज़ को लाइक मैं अगर एक साइन अप वाला मारूँ, देखो अपलोड हुआ, इमेज अपलोड हुआ, इमेज अपलोड का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, साइन अप में इट्स टेकिंग टाइम, मैं तब तक बैकएंड में देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, जैसे एरर आएगा यहाँ पे कुछ फायर होगा, साइन अप एरर प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम क्या है? आई गेस ये इसका टाइम का कुछ इश्यू रहेगा क्या, मैं 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करके आया भाई लोग। द प्रॉब्लम वॉज कि मेरा जो कंप्यूटर है ना उसका क्लॉक, आई गेस उसका जो सेल है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो क्या वो टाइम के वजह से एरर आ रहा था बेसिकली। देखो कनेक्शन में भी जो मैंने ये जो लॉग बन लगाया था वो भी प्रिंट हो रहा है, सब वर्किंग फाइन है ठीक है, सब वर्किंग फाइन है, अभी अगर मैं करूँगा ना तो वो एरर नहीं आना चाहिए ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको बैक करूँगा, देखो कनेक्टेड टू डेटाबेस आ गया, अब देखो एक बार ये सर्वर भी स्टार्ट होगा और डेटाबेस से कनेक्शन भी इस्टेब्लिश होगा, वो भी मैसेज आएगा, और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और साइन अप में भी मुझे इतना इशू नहीं आएगा। देखो स्टार्टिंग नोड वन इंडेक्स और जेएस हो गया ये, चल भाई जल्दी सर्वर रनिंग, देखो कनेक्टेड डेटाबेस, कूल डन। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो मैं अगर साइन अप ट्राई करूँगा ना अपलोड हो जाएगा वापस से, वो होता ही है एक चीज़, एंड देन साइन अप का भी रिक्वेस्ट आएगा, साइन अप सक्सेसफुल, गुड गुड, आर यू फीलिंग गुड नाउ? अब देखो मैं नेटवर्क एक्सेस में आऊँगा, अभी अभी देखो सब प्रॉपर था, ऐसे टाइम की वजह से भी बहुत सारे एरर आते हैं, बेसिकली बफर टाइम आउट वाले भी एरर्स आते हैं, तो टाइम चेक करो ऐसे कुछ एरर्स आए ना बफरिंग टाइम आउट वगैरह के, तो चेक करो, मैंने बहुत ऐसे प्रॉब्लम फेस किए। अब देखो कोड डेट में यूज़र्स करके कुछ हो गया, तो ठीक है अभी मेरा यूज़र है, इसकी यहाँ पे सब यूआरएल वगैरह भी ऐड हो गई, और अगर मैं चेक करूँ देखो फेवरेट डिसलाइक्स एरे एम्प्टी है, क्लाउडिनरी मैनेजमेंट कंसोल में अगर मैं कोड डेट वाला ये अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ
कोडेट यूट्यूब करके, कोडेट यूट्यूब करके मैंने फोल्डर बनाया था आई गेस, कोडेट यूट्यूब। अब कोडेट यूट्यूब के अंदर अगर मैं देखूँगे तो मैं देखो 3-4 बार मैंने फ़ोटो पोस्ट किया तो वो देखो वो सेम फोटो जो है PNG फाइल वो आ गई है। ठीक है कूल, मैं बाद में इसको डिलीट कर दूँगा डेटाबेस को, वैसे भी मैनेज कर। अब आते हैं यहाँ पे डेटाबेस। अब यार मैंने साइनअप कर दिया, एक्चुअली मैंने नेविगेट किया था लॉगिन पे, हाँ तो ये नेविगेट लॉगिन पे भी हो गया। सॉरी बॉय, सॉरी सॉरी। अब क्या करते हैं हम कि इसको यहाँ पे मैं अगर इसके लॉगिन पेज पे जाऊँ तो लॉगिन पेज पे यहाँ पे मुझे ईमेल में पासवर्ड दिख रहा है। अब मैं फटाफट फटाफट वो बना देता हूँ। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है भाई, लॉगिन पेज पे मैं ऑलरेडी हूँ। अब मैं इस साइनअप को कॉल कर रहा हूँ, अरे पे अब मैं लॉगिन पेज पे आ रहा हूँ एंड लॉगिन पेज को इस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। एक डेप ठीक है यहाँ पे। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे H4 लगाऊंगा, ठीक है एक H4 एंड इन H4 आई विल से लॉगिन सिंपल, ठीक है। और मैं इसको क्लास नेम दूंगा, थोड़ा मैं इसको फटाफट कर सकता हूँ तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। फ्लेक्स है, फ्लेक्स कॉल है ये, ठीक है। एंड देन जस्टिफाई सेंटर है, ठीक है। आइटम सेंटर है, आइटम सेंटर। और मार्जिन वाई में मैं इसको दूंगा 32, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब मैं H4 में इस लॉगिन को थोड़ा सा फॉन्ट को उसका कलर विलर चेंज करूँगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे क्लास नेम, ठीक है। एंड आई विल से कि ये जो फॉन्ट है वो बोल्ड है, बेसिकली फॉन्ट बोल्ड है, ठीक है। टेक्स्ट इसका 3XL है एंड टेक्स्ट इसका ब्लैक है, टेक्स्ट ब्लैक और ओके टेक्स्ट वाइट, ओके मैं डार्क मोड। तो अभी मैं यहाँ पे देखूँ सो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, कूल। हमारा अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे, इस फॉर्म में इस एक्शन वाले मेथड को क्लोज करेंगे एंड इस फॉर्म के एक्चुअल में एक डिव बनाएंगे, ठीक है। अब इस डिव के अंदर होगा मेरा लेबल और इनपुट, तो मैं लेबल दूंगा, अच्छा लेबल, ये लेबल फॉर क्या होगा, एक ईमेल के लिए होगा। और बेसिकली क्या होगा, इसके पास क्लास नेम होगा और क्लास नेम से मैं क्या होगा बेसिकली देखो, क्लास नेम में क्या होगा इसके, बेसिकली इसका टेक्स्ट है ना वो वाइट है, ठीक है, इतना ही है। एंड इसका लेबल क्या होगा, ईमेल। चलो कुल कुछ भी बात हो, मैं मुझे इसका इनपुट करना है, इनपुट टाइप ईमेल करते हैं, EMAIL, मुझे सजेशन आ जाए, इनपुट टाइप ईमेल आ गई। अब मैं इसका नेम ईमेल, आईडी ईमेल भी देता हूँ, ईमेल, और इसको क्लास नेम्स देता हूँ कुछ क्लास नेम्स। एंड वो क्लास नेम क्या हो गया, सेम पैडिंग टू बॉर्डर होगी, बॉर्डर वो क्या होगा, ग्रे होगा, ओके ग्रे 700, ठीक है 700। और ये राउंडेड जो है, राउंडेड एमडी है, दिस इज द थिंग। और ये रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है रिक्वायर्ड, ठीक है ईमेल। अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखने जाऊँ तो कुछ बहुत घटिया दिख रहा है। अब इस डेव को थोड़ा सा हम लोग और स्टाइलिंग करेंगे, एक क्लास नेम ये फ्लेक्स है, फ्लेक्स कॉल है, सो एक के नीचे एक आ जाए। फिर गैप इसका 3 है और एम्प्टी, एक्चुअली गैप इसका 3 नहीं होगा, गैप इसका 5 होगा और मार्जिन टॉप से 5 होगा, ठीक है। अब इस फॉर्म को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फॉर्म को भी मेन स्टाइलिंग कर लेते हैं, सो दैट कि हम जब इस डेव को रिप्लीकेट करेंगे तब चीज़ें प्रॉपरली काम करें। अब क्लास नेम दूंगा और मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोलूँगा, मैं इस फॉर्म को एक्चुअली फॉर्म को देने की ज़रूरत मुझे लग रही नहीं है, ठीक है। देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब सेम ईमेल, अब हम यहाँ पे इसको रेप्लिकेट करके पासवर्ड के लिए भी करेंगे, ठीक है। फॉर्म को कुछ ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे पासवर्ड करूँगा सिर्फ, यहाँ पे सिंपल पासवर्ड कंट्रोल बैकस्पेस एंड पासवर्ड, ठीक है ये। अब एक चीज़ और बचती है, दैट इज़ कि मेरा डी बन गया, ये फॉर्म के अंदर मैं डी बनाऊंगा,
है, अब इस डेव के अंदर मैं वो बनाऊंगा जिससे साइन अप रूट के ऊपर रिएक्ट हो। पहले तो एक बटन है जिसका टाइप है सबमिट, SUBMIT। मैं फटाफट फटाफट क्या करता हूँ, मैं इसको लगा लेता हूँ एक बार, चेक, लेट मी चेक कि हाँ OBS प्रॉपरली वर्किंग है। ठीक है, सबमिट मैं बताऊँगा इसको, उसको क्या बोलूँगा, लॉग लूँगा। ठीक है, और मैं इसको स्टाइल अप क्लास साइनिंग दूंगा, दैट इज क्लास नेम, सो दैट मेरे बटन और ये जो टेक्स्ट मैं इसके बाद में देने वाला वो प्रॉपरली ऐड हो जाए। मैं इसको क्लास नेम क्या दूंगा, मैं इसको बोलूँगा कि फ्लैक्स हो गैप तुम लोग के बीच में 8 और जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है, और आइटम सेंटर मार्ट एम्प्टी टॉप एम्प्टी पास। ठीक है, बटन को थोड़ा सा देते हैं क्लास नेम। सो अपन क्लास नेम क्या पैडिंग टू है, तो बीच तेरा प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी कौन सा हमने अभी बनाया, क्लास बनाया था याद है ना, राउंडेड एक्चुअली क्लास ही बनाया था हमने, टेलविन कॉन्फ्लिक्ट डॉट जेएस में वो सेट था। तो ये बटन अच्छा बन गया। नाउ अगली मैं इसको देखूँ तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ ये चाहिए, ये टेक्स्ट, ठीक है, तो वो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा एफ बेसिकली, ठीक है, मैं अपने डायरेक्टली लिंक करके लिंक मुझे रिएक्ट डॉम से चाहिए, मैं यहाँ पे मुझे सजेशन आ रहे हैं, तो पहले तो लिंक को इम्पोर्ट करूँगा। लिंक यूज़ करते हैं बिकॉज अगर आप एंकर टैग यूज़ करते हैं तो हमारा पेज जो है वो रीलोड होता है एंड वी डोंट वॉन्ट टू हैपन। सो हम बोलेंगे इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। सो है प्रॉपर, सो हम बोलेंगे यहाँ पे लिंक, हाँ ये हाँ लिंक चलेगा, और इसको टू और उसके अंदर देंगे हम लोग स्लैश साइनअप, और यहाँ पे लिखते हैं सिंपली दैट कि देखो डोंट हैव एन अकाउंट, ओके, देन साइन अप, ओके। अब इसको क्या बोलेंगे कि तेरा टेक्स्ट है प्राइमरी है और तेरा टेक्स्ट का साइज एक्स्ट्रा स्मॉल है, सिंपल, ठीक है, स्मॉल बोल देते हैं। ठीक है, क्लास नेम बोलेंगे, मुझे ना यहाँ पे इसे अपडेट करने की ज़रूरत बिल्कुल, प्राइमरी टेक्स्ट प्राइमरी और टेक्स्ट जो है वो एस एन। सो अभी जो हम इसको रिजल्ट देखेंगे तो कुछ इतना अच्छा दिखेगा, कूल लुकिंग सेम या अगर मैं इसको देखो हमारे अभी इसको मैं अगर करूँ ना साइनअप पे SINGUP अप, अच्छा सिंगअप हो गया, सॉरी SIGNUP साइनअप। सो अभी सिंगअप MTM मैं यहाँ पे एक एरर पे छोड़ सकता हूँ कि अगर समझो कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ आप पे आई कुछ अलग तो एरर पे दिखे कि 404 वगैरह, बट मुझे उसकी नीड लगती नहीं है। मैं डायरेक्टली लॉग इन पर जाऊँगा, लॉग इन काम क्यों नहीं कर रहा है देखते हैं, लॉग इन काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं साइनअप पे जाता हूँ उसके ऊपर अगर लॉग इन पर आने का है तो लॉग इन काम नहीं कर रहा है, वाई लॉग इन इज़ नॉट वर्किंग। सो मैं कंपोनेंट्स पे आके नेवर पे आके देखता हूँ, अच्छा लॉग इन बटन है, ये बटन नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे ये इम्पोर्ट करना है लिंक, इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, बस मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे सिंपली लिंक टू लगाना है और यहाँ पे स्लैश लॉग इन, कूल, ये सॉल्ट हो। अब आओ यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करो, लॉगिन पे जाओगे, साइन अप पे क्लिक करो, साइन अप पे जाओगे, लिंक पर काम करे तो लॉगिन के ऊपर बेटर है। कंट्रोल शिफ्ट ट्राई कर रहा हूँ तो आप देखोगे कम्प्लीटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव है एंड बहुत अच्छा दिख रहा है, ओके श्योर। चलो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लॉजिक पार्ट ऑफ दिस। अब लॉजिक पार्ट हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बोलता हूँ कि एक बैक एंड राउट हो जाए, ठीक है, पहले इसका बैक एंड राउट बना लेते हैं। तो हम आएंगे ऑथ कंट्रोलर के पास और इसका बैक एंड राउट जो बना लेते हैं बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। हम करेंगे अब यार यहाँ पे जो हम सिस्टम इंटीग्रेट करने वाले हैं वो हमारा थोड़ा दूसरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा, ठीक है, और ये ऐसे ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा जो आप अगर इसको फ्री डिप्लॉयमेंट में भी होस्ट करोगे बराबर काम करेगा। लाइक जब हम कुकीज़ वाले हम अभी तक जो प्रोजेक्ट्स बनाते आए हैं कुकीज़ वाले, आप उसमें देखते हो वो, ठीक है, तो अब तक जो हमने कुकीज़ वाले सेशन बनाए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाए, तो आप उसमें देखते हो कि
जब हम उसको फ्री वाले जो डिप्लॉयमेंट है उसके ऊपर होस्ट करते हैं तो बहुत सारे हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं कि कुकीज़ जो है वो ब्राउज़र के साथ शेयर नहीं हो पाती। लाइक जहाँ पे हमारा बैक एंड होस्टेड है, जहाँ पे हमारा फ्रंट एंड होस्टेड है, दोनों में कुकीज़ का कनेक्शन नहीं हो पाता। भले बैक एंड कुकीज़ भेज रहा है बट हमारा ब्राउज़र आपके साइट को कैपेबिलिटी नहीं देता कि तुम कुकीज़ स्टोर करो। तो वो सब जो प्रॉब्लम है वो इस ऑथेंटिकेशन के साथ फिक्स हो जाएगी। इसमें हम जो कुकीज़ है, जो हमारा कुकी नहीं बेसिकली जो टोकन है वो हम एज अ रेस्पॉन्स सेंड करेंगे एंड उस टोकन को हम लोकल स्टोरेज में सेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो आप इस बिल को देखो। अब हम बोलेंगे कॉन्स्ट लॉग इन इज इक्वल टू, ये एक एसिंक होगा, एसिंक देन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, कूल। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, देखो ईमेल, अभी हम जब लॉगिन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम सिर्फ ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे। ठीक है, बात सिंपल है। तो हमने क्या किया, ईमेल और पासवर्ड लिया इससे रिक्वेस्ट बॉडी से, और यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाया, और अगर कुछ एरर आता है मैं बोलूँगा रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस। अभी मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं एरर डॉट मैसेज भेजूंगा क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि क्या एरर है। तो जेसन, अभी मैं जेसन भेज रहा हूँ, सक्सेस सक्सेस फॉल्स और मैसेज होगा मेरा एरर डॉट मैसेज। कूल, बस अब मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं पहले फाइंड करूँगा कि क्या मेरा ये यूमर एग्जिस्ट करता है। अब मैं इसके लिए क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब उसको अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, ना कि लॉगिन की। तो भाई मैं फाइंड करूँगा, मैं बोलूँगा यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। अच्छे सजेशंस थे, अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, और वो फाइंड कैसे करेगा, वो फाइंड करेगा ईमेल के थ्रू। ठीक है, ईमेल के थ्रू, ठीक है, ईमेल के थ्रू फाइंड करेगा। तो अगर इफ़ मेरा यूज़र नहीं मिलता मुझे, यहाँ पे मेरा यूज़र अगर नहीं मिलता सो आई कैन प्राउडली सेम हिन द रेस्पॉन्स। तो मेरा रिटर्न रेस्पॉन्स और स्टेटस इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, नहीं इनवैलिड क्रेडेंशियल्स सजेशन सीख सकते हैं लेकिन एक टाइम के बाद थोड़ा सा नहीं है। मैं उसको बोलूँगा प्लीज़ प्लीज़ साइन अप। कूल, यस। लेकिन यूज़र मिलता है तो क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि उसका जो पासवर्ड है मैच होता है क्या। तो कॉन्स्ट इज मैच इज इक्वल, कॉन्स्ट इज मैच इज इक्वल टू करूँगा अवेट बीक्रिप्ट डॉट हैश करो। अच्छा, बीक्रिप्ट डॉट हैश तो हमने पासवर्ड को किया था, अभी हम पासवर्ड करेंगे कंपेयर। कंपेयर किसको करेंगे, अभी यूज़र ने जो पासवर्ड भेजा था वो, और उसको कैसे करेंगे, यूज़र यूज़र के जो डॉट पासवर्ड है उसे। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, अगर ये दोनों पासवर्ड अगर मैच है, इसका मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे एक और एडिशन बताऊँ कि इफ़ अगर पासवर्ड नहीं मैच होता, इफ़ नॉट ऑफ इज पासवर्ड, तो हम क्या भेजेंगे, हम एक रिटर्न भेजेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस एस टी। अच्छा, स्टेटस भेजेंगे और हम बोलेंगे 400.json सक्सेस फॉल्स। मैसेज क्या होगा, मैसेज क्या होगा, मैसेज क्या होगा, दैट इज़ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। कूल, इस मैच। अब देखो सब पासवर्ड मैच भी हो रहा है तो क्या करेंगे, तब हमें को टोकन जनरेट करेंगे। अब टोकन क्या होगा मैं बता रहा हूँ, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, अब टोकन को बनाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस टोकन को कुछ डेटा देना पड़ता है जिसको तुम साइन करोगे एंड किस चीज़ के थ्रू तुम साइन करोगे। तो मुझे दरवाजे के अंदर घुसना है, ठीक है, अब मेरा मेरा घर है, ठीक है। अब समझो मैं और मेरा दोस्त एक घर में रहते हैं, तो मुझे घर के अंदर घुसने के लिए एक सीक्रेट की ज़रूरत है, बराबर। अगर मेरे पास वो सीक्रेट की है तो ही मैं जा सकता हूँ। अगर समझो मैंने दोस्त को मेरी वो की दी नहीं तो क्या मेरा दोस्त उसके अंदर जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसको भी साइन करने के टाइम पे हमें एक सीक्रेट की देनी पड़ती है कि अगर इसी सीक्रेट की से का साइन हो तो ही एंट्री मिले, वरना ना मिले। तो हम क्या करते हैं, JWT.sign करेंगे, सही चाहिए, और वो क्या होगी, आईडी होगी मेरी, मैं इस यूज़र की आईडी, एक छोटा सा डेटा हमें साइनअप करना पड़ता है तो मैं आईडी साइनअप करूँगा, और वो आईडी किससे मिलेगी मुझे, यूज़र की जो अंडरस्कोर आईडी है वो, और उसको साइन किससे करूँगा मैं, उसको साइन करूँगा मैं process.env.jwt सीक्रेट के थ्रू, JWT सीक्रेट, तो JWT, ठीक है। अभी JWT सीक्रेट मैंने बनाया नहीं है तो मुझे कौन इसमें जाना पड़ेगा ENV में, एंड मैं क्या मैं काम करता हूँ, मैं इसको ना जब तक ये लिख रहा हूँ ना तब तक इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं कॉन्स्ट अच्छा JWT सीक्रेट इज इक्वल टू
सीक्रेट ले देता हूँ अभी। अब आप कोई तो अच्छा लिखो, लाइक कुछ ऐसा 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 कर दे, कुछ भी करो आप, लेकिन प्रॉपरली करो। तो मैं अभी अब नॉर्मली सीक्रेट का सीक्रेट लिख रख रहा हूँ, क्योंकि एनीवेज मैं उसको चेंज करने वाला हूँ। चलो, अब टोकन मेरे पास बना हुआ। अब टोकन को मुझे क्या करना है, मुझे उसको प्रॉपरली यूज़र को भेजना है। पहले मैं क्या करता था, मैं अभी इसको क्लियर, मैं रेस्पॉन्स डॉट कुकी डॉट सेट करता था, वो सब करता था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे नहीं करना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 भेजूँगा, और जेसन में क्या भेजूँगा, सक्सेस ट्रू भेजूँगा, मैसेज क्या भेजूँगा, लॉग इन सक्सेसफुल, टोकन भेजूँगा और यूज़र भेजूँगा, ठीक है। लेकिन यूज़र में मैं सब कुछ नहीं भेजूँगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डेटा लिखूँगा। टोकन के बाद मैं डेटा लिखूँगा, और इस डेटा में एक ऑब्जेक्ट दूंगा, और ऑब्जेक्ट में क्या लिखूँगा, मैं आईडी दूंगा। आईडी क्या हो, यूज़र डॉट अंडर स्कोर आईडी हो, ठीक है। चलो, क्योंकि मैं पासवर्ड उसवर्ड भेजूँ क्यों उसको, ठीक है। मैं नेम भेजूँगा तो यूज़र डॉट नेम, ठीक है। चलो, फिर क्या है, ईमेल भेजूँगा तो वो होगी यूज़र डॉट ईमेल, ईमेल। फिर प्रोफाइल भेजूँगा, प्रोफाइल तो हो गया यूज़र डॉट प्रोफाइल हो गया। अब मुझे यूज़र के लाइक्स और डिसलाइक्स भी भेजने दो, तो फिर मैं बोलूँगा कि इसके एफ ए वी ओ यू आर फेवरेट्स भी भेज दो, एफ ए वी ओ यू आर आई टी एस, तो यूज़र डॉट एफ ए वी ओ यू यूज़र फेवरेट्स भी है। अब डिसलाइक्स भी भेजते हैं, एल डिस लाइक्स भी है, तो वो क्या है, यूज़र डॉट डिसलाइक्स। कूल, यस, बस ये सब डेटा भेज दो। डिसलाइक, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको डिसलाइक्ड कर देता हूँ, बिकॉज मैंने अपने यूज़र मॉडल में, यूज़र मॉडल में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो यूज़र मॉडल में मैंने फेवरेट्स और डिसलाइक्ड कर दिया है, तो इसलिए मैं वो गया। तो अब ये सब डेटा मेरा यूज़र को जाएगा, ओके। तो अभी हमने जितना लॉजिक है, हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं लॉग इन करके, एंड देन हम राउट पे आते हैं, एंड राउट पे आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट करते हैं, डॉट पोस्ट, जी पोस्ट नहीं, स्लैश लॉग इन पे क्या करते हैं, हम लॉग इन वाला ये चला देते हैं। हेलो जी, कंट्रोल स्पेस, इसको इम्पोर्ट, रुको 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 रुको, ये क्या है, मेरे पास दो दो सजेशन आए थे कोई तो। अब देखो यहाँ पे कंट्रोलर स्लैश ये भी है, और क्लाइंट में सोर्स में लॉग इन करके, तो मुझे ये चाहिए लॉग इन। ओके, मैंने दो दो बार इंपोर्ट कर दिया इसको। चल, कूल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इस सर्वर को जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक, नाउ लेट्स ट्राई कि क्या लॉग इन होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले मुझे लॉग इन में, लॉग इन का जो लॉजिक है वो मेरे क्लाइंट साइड में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे क्लाइंट साइड में जो है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाता हूँ, लाइक ये मैं क्या फंक्शन, मैं वाला कॉन्स्ट हैंडल लॉग इन करके एक फंक्शन बनाता हूँ, और एक एसिंक फंक्शन होगा जो इवेंट को एक्सेस करता है, ठीक है, और एक कॉल बैक, ये ऐसा कुछ होगा एरो फंक्शन। अब ये कब ट्रिगर होगा, ये ट्रिगर तब होगा जब फॉर्म पे सबमिट बैठे, ठीक है, फॉर्म पे सबमिट जब पड़े ना, तो मैं फॉर्म पे जो ऑन सबमिट हो ना, जब कॉल हो तब क्या होगा, हैंडल लॉग इन कॉल होगा। सिंपल है, हैंडल लॉग इन क्या, जब वो बटन के ऊपर क्लिक करेगा, और बटन बाय डिफॉल्ट एक टाइप सबमिट है, तो वो फॉर्म का ऑन सबमिट ट्रिगर कर देगा। अब मुझे क्या करना है, जब मैं हैंडल लॉग इन, जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा, मेरा पेज रीलोड हो जाएगा, तो मुझे पहले ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट करना है, डिफॉल्ट करना, गुड, यस। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करते हैं, मैं यहाँ से कॉन्स्ट ईमेल करना है, कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट ईमेल डॉट वैल्यू कर लेते हैं, और पासवर्ड भी वही कर लेते हैं, कौन सा पासवर्ड, ठीक है। अब मुझे मतलब थोड़ा सा पास को थोड़ा सा वैलिडेशन कर लेता हूँ कि इफ़ नॉट ऑफ ईमेल वगैरह, और नॉट ऑफ ईमेल और नॉट ऑफ पासवर्ड, देन क्या कर दो,
मैं कर दो टोस्ट, टोस्ट टोस्ट को ज़रा इंपोर्ट करते हैं। हाँ देखो प्लीज फिल ऑल फील्ड्स आएगा। गुड, अब मैं थोड़ा टोस्ट यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। रिएक्ट गुड, अभी एक वैलिडेशन हो गया मेरा। दूसरा वैलिडेशन ये होगा कि इफ नॉट ऑफ मेल डॉट इंक्लूड्स वो एट द रेट वाला, और इफ नॉट ऑफ, इफ नॉट ऑफ ई मेल डॉट इंक्लूड्स डॉट वाला। ओके एक एक्स्ट्रा, हाँ नॉट, अगर ये कुछ कंडीशन है तो भाई तुम क्या कर दो, तुम एक काम करो, तुम टॉस डॉट एरर करो, इज वैलिड ईमेल एड्रेस या फिर इनवैलिड ईमेल डाल दो, सिंपल बड़ा मत दिखाओ ज़्यादा, इनवैलिड VALID ईमेल कुल यस। तो ये सब हो जाता है, देन तुम क्या करो, तुम रिक्वेस्ट मारो बैकएंड। अब रिक्वेस्ट मारेंगे करो कॉन्स रेस इज इक्वल टू अवेट अवेट एक्सियोस को पहले इंपोर्ट करो अगर नहीं है तो। यार सजेशंस क्यों प्रॉपर लेता नहीं यार, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम ये। अब एक्सियोस जो है मेरा, मैं एक्सियोस पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा, पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट में पहले आता है मेरा एंड पॉइंट, तो मेरा एंड पॉइंट डीपी स्लैश 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 लोकल होस्ट 5000 स्लैश API स्लैश लॉग, ठीक है। सेकेंड इज गोइंग टू बी माई डेटा, तो डेटा तो डेटा मेरा है ईमेल पासवर्ड, ठीक है, ये जो दो मेरा वही से डेटा है, ठीक है बस। थर्ड मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आता है, मुझे यहाँ पे कुछ जरिए की ज़रूरत नहीं। अब मैं कौन डेटा इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा अवेट और बोलूँगा मैं रेस्पॉन्स डेटा। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जैसे ही डेटा, डेटा के अंदर जो डेटा है ना वो मेरा यूज़र कर दो, ठीक है। बेसिकली देखो अभी बेसिकली क्या क्या बात है, मैं बोलता हूँ, मैं इसको कंसोल लॉक करूँगा और मैं डेटा, ठीक है। आज मैं आपको बताता हूँ, अब मैं कंट्रोल से ट्राई करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंसोल दिखाता हूँ आपको, कंसोल, ठीक है। ईमेल कैमरा टेस्ट, ईमेल कैमरा टेस्टर आएगा, टेस्ट डॉट कॉम था, और पासवर्ड 1234567 का। जैसे मैं इसको कहता हूँ लॉग इन, देखो डेटा आया क्या, सक्सेस ट्रू आया डेटा, देखो डेटा में क्या क्या ईमेल, देखो सक्सेस ट्रू आया, ठीक है, टोकन आया मेरा, मैसेज आया और मुझे डेटा मिला। तो डेटा डॉट डेटा में मेरा को ये मिलेगा, तो मुझे इस डेटा को सेव करना है, ठीक है, और मुझे इस डेटा को ग्लोबली सेव करना है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं सिंपल बोलता हूँ, मैंने एक कंटेक्स्ट बनाया ऐप कंटेक्स्ट, ठीक है, मैं इसमें एक और स्टेट बनाता हूँ, कौन यूज़र सेट यूज़र बनाता हूँ, और ये क्या है, ये यूज़ स्टेट यूज़ करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी आ रहा है। अब इस चीज़ को मैं दोनों को दे देता हूँ कॉपी, चलो डन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ फटाक से यहाँ से इस चीज़ को यूज़ कर देता हूँ, मैं बोला कौन मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए एक्चुअल, मैं काम करता हूँ यहाँ पे प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ ताकि जैसे ये स्टार्ट हो तब वैसे प्रोग्रेस भी दिखे। तो मैं बोलूँगा कि सेट प्रोग्रेस कर बुलाओ, सेट प्रोग्रेस और सेट यूज़र बुलाओ, और वो कहाँ से है, वो यूज़ कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मुझे यूज़ करना है उस कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट कौन सा यूज़ करना है, तो ऐप कॉन्टेक्स्ट, भाई आजा आजा, शिट मैन ये सब बहुत दिक्कत है। इम्पोर्ट, हाँ देखो सजेशंस तो अच्छा देता है, लाइक
अभी जो लोग मुझे पूछते हैं ना कि भाई आप ये सजेशंस कहाँ दे रहे हो, प्लीज़ ऐप मेरे पास गिटहब कोपायलट है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसको यूज़ किया, ठीक है, ये गिटहब कोपायलट, इसके वजह से मुझे जो है इतने अच्छे सजेशंस मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे भी ये डेटा आया ना, तो मैं इस डेटा को लॉग नहीं करता, मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सेट यूज़र जो है वो करूँगा मैं डेटा का डेटा, ओके ठीक है। और जैसे ही अब मेरे को डेटा में देखो टोकन भी मिला, तो मैं क्या बोलूँगा कि लोकल STORAG, लोकल स्टोरेज, ठीक है, बेसिकली ऐसा नहीं होता, लोकल स्टोरेज करके आपके ब्राउज़र में आपको एक API मिलता है, जावा प्रोवाइड करता है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम करूँगा और टोकन, मतलब कि टोकन उसकी वैल्यू क्या होगी, मेरा डेटा का डॉट टोकन होगा वो, ठीक है, चलो कूल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ जब भी ये सब चालू हो ना, तब क्या हो, सेट प्रोग्रेस हो 0, यहाँ पे सेट प्रोग्रेस 0 हो, एंड इस पॉइंट पे जब मेरा सब टोकन वगैरह सब सेट हो रहा है, डेटा लोकल स्टोरेज, करो सेट प्रोग्रेस ना, सेट प्रोग्रेस करो तो 100 वो प्रोग्रेस बार दिखेगा, चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपल एक बात बताऊँ कि अगर मेरा डेटा सक्सेस है, इफ़ डेटा डॉट सक्सेस ट्रिपल इक्वल टू ट्रू है, ट्रू है, तब क्या कर दो, तब पे काम कर दो कि अब तो हम नहीं भी करेंगे प्रोफाइल पे, और पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम बोलेंगे कि टोस्ट डॉट सक्सेस करें क्या, डेटा डॉट मैसेज, ठीक है, तो डॉट सक्सेस करेंगे डेटा डॉट मैसेज, चलो ये बात कोई नहीं, फिर हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे बेसिकली, तो काम करते हैं, हमारे ई डॉट टारगेट डॉट रिसेट भी कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, हम नेविगेट करते हैं, नेविगेट करते हैं स्लैश प्रोफाइल पे, ठीक है, प्रोफाइल पे। अब नेविगेट के लिए मैंने बनाया नहीं, तो मुझे फटाक से इसको कुछ बनाना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे मुझे यूज नेविगेट को बुलाना पड़ेगा रिएक्ट ड्रॉप से, हाँ यूज नेविगेट, ठीक है, मैं नेविगेट और बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा, अब ये नेविगेट करेगा ऑन सक्सेस के बाद, यहाँ पे एल्स ठीक है, एल्स क्या करो, एल्स तुम टोस्ट डॉट एरर कर दो मेरे भाई, और एरर का जो मैसेज है ना, डेटा डॉट मैसेज वो पोस्ट करो, ठीक है। अब यूजफुली देखो अब क्या होगा, जब भी मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश कर देता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि समझो टेस्टर एट टेस्ट डॉट कॉम था, 1 2 3 4 5 6 किया, लॉगिन किया, देखो कि लॉगिन सक्सेसफुल आया और हम जो है प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट हो गए। और अगर हम यहाँ पे देखें ना एप्लीकेशन में, सो हमारे लोकल स्टोरेज में देखो एक टोकन है और टोकन हमारे इसमें आ गया है, कुल और ये लोकल स्टोरेज का टोकन है, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि मेरे मेमोरी एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज टोकन है, अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँ, ठीक है, टोकन जाता नहीं है, ठीक है, सेशन स्टोरेज से निकल जाता है, देखो कुल सो हमारा प्रोफाइल का जो काम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, सॉरी लॉग इन का काम।
अब यार गाइज हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, जैसे हम प्रोफाइल के ऊपर जैसे हम शिफ्ट हो जाते हैं ना, हम एक डायनामिक रेंडरिंग करते हैं। लाइक अगर मेरे पास कैसा भी डेटा आ गया यूज़र का, अब मैं उसके हेल्प से हमारे नया बार के ऊपर हमारे एक आइकॉन दिखाते हैं प्रोजेक्ट का, बेसिकली कुछ ऐसे दिखाते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा था ना, एक ऐसा लॉग इन करने के बाद एक सर्कल दिख रहा था, वो हम करते हैं एंड हम प्रोफाइल पेज को भी अभी धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए अच्छा मैंने आपको दिखाया नहीं, ठीक है। अभी हम एक्चुअली काम करते हैं। बस देखो अगर मैं लॉग इन कर रहा हूँ, मैं लॉग इन पेज अभी हटा देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। आई विल बी गोइंग टू कुछ नेवर पे। ओके नेवर पे आए हम, नेवर पे देखो क्या है। अब हमारे पास यूज़र मिल गया, ठीक है। अब हम यूज़र के थ्रू डायनेमिक रेंडरिंग कर सकते हैं। सो आई वॉन्ट की दिस लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल दूंगा डायरेक्टली कि कॉन्स्ट मैं यूज़र लेना चाहूँगा एंड सेट यूज़र लेना चाहूँगा। सेट यूज़र क्यों, बाद में बोल देता हूँ। हम एक चेकआउट करके फंक्शन यहाँ पे रन करेंगे उसके लिए, और मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट करूँगा और ऐप कॉन्टेक्स्ट यूज़ करूँगा। मैं ऐप कॉन्टेक्स्ट को भी इम्पोर्ट करूँगा एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट को भी इम्पोर्ट करूँगा। इस कॉन्टेक्स्ट गुड। अब मेरे पास यूज़र की वैल्यू आ गई है। अब मैं यहाँ पे क्या कंट्रेडिंग लगा सकता हूँ, मैं इसको कंट्रोल बी करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। यस यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डेव बनाता हूँ, ठीक है। और इस डेव में मैं इस इमेज को और इस एस टू को दूंगा। सो इस एस टू को मैं यहाँ पे रैप करता हूँ और यहाँ पे मैं एक इमेज दूंगा। ओके आई एम जी और इसका एहसास क्या होगा, मैं बेसिकली बोलूँगा कि जो भी यूज़र है, अब यूज़र है उसको प्रोफाइल कर दो। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हूँ, क्योंकि अगर यूज़र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं वो नहीं लगाता ना, तो पेज पेज जैसे रेंडर होता है तो एरर दिख सकते हैं आपको, इसके लिए मैंने ये दिखाया। अब अल्ट में क्या दिखाऊंगा, यूज़र का नेम दिखाऊंगा, ताकि कुछ यूज़र, ठीक है। तो होगा यूज़र का डॉट नेम नेम, ठीक है। चलो और क्या कर सकते हैं, हम इसका विथ दे सकते हैं। ओके मैंने यहाँ पे देखिए, ठीक है, विथ 40 हाइट 30 दे सकते हैं हम लोग। विद 40, ठीक है, हाइट 30, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको क्लास नेम देंगे। क्लास नेम क्या देंगे, मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्लास नेम के लिए ऐसे देते हैं। अब क्लास नेम क्या होगा, इसको राउंडेड होगा फुल, ठीक है। और शेडो होगा इनर IEEE। सो अभी अगर मैं इस पोर्शन पे जाऊँ तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। लेट मी डू समथिंग लाइक दिस, इसको रिफ्रेश करूँगा, ऑलरेडी लॉगिन का चीज़ें चले जाएगा, ठीक है। लॉगिन करना पड़ेगा, मैं एक बार आप लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ प्रोडक्ट राउट ऐड करना बाकी है, वो हम करेंगे। TSTR TestRouter.com, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कूल। अब देखो आप ये दिख रहा है, ओके यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपरली। अभी ये ऐसा मैंने PNG वैसा चेक किया, लेकिन अभी देखो थोड़ी देर पहले कैसे दिख रहा था वो। तो उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा एक लॉजिक लिखना पड़ेगा कि मेरे भाई देखो कि अगर क्या, अब मैं क्या बताऊँ यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि यूज़र का डॉट प्रोफाइल अगर है, ठीक है, तब क्या करो, तब तो ब्लॉक कर दो, ब्लॉक। एल्स क्या कर दो, एल्स सिंपली हिडन, ब्लॉक हिडन सिंपल। अभी देखो, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड आई नो मेरे पास यूज़र नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। तो देखो ये ऐसा दिख रहा है, पहले कैसा दिख रहा था, वैसे पहले कुछ तो डेटा दिख रहा था आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर टेस्टर वाला कुछ करूँ भी, और 1 2 3 4, मैं कोई अच्छा प्रोफाइल डालता तो बराबर आता था यहाँ पे। मैंने यहाँ पर सेलेक्टिव वैसे चूरन जैसे किया तो लॉग इन सक्सेसफुल, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस डेव को थोड़ा सा क्लास नेम्स दूंगा,
लास्ट नेम, एंड आई विल से कि ये फ्लेक्स है एंड गैप 3 का। बहुत अच्छा। अबे अबाउट डाउनलोड एंड प्राइवेसी जो है वो मुझे कब दिखना चाहिए? जब मैं लॉगिन नहीं हूँ तब, ठीक है? तो हम उसका भी इंतज़ाम करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशनल एंटर, मैं बोला यूज़र का, अगर यूज़र का डॉट नेम नहीं है, ठीक है? अगर नेम नॉट ऑफ यूज़र डॉट नेम है, अगर नहीं है, मतलब बेसिकली यूज़र का अगर नाम एग्जिस्ट नहीं करता तब क्या करो? इसका मतलब क्या, मेरा यूज़र लॉग इन नहीं है, तब करो ये सब रेंडर, ठीक है? तब ये सब रेंडर करो। इसको सी करूँगा, कंट्रोल सी वी करूँगा पेस्ट, तब ये रेंडर करो, एल्स क्या करो, एल्स ये रेंडर करो। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ, फ़र्क कुछ है नहीं, हम बनाएंगे। तो इसमें होगा ये चैट्स, ठीक है? पहला क्या था, न्यू था, न्यू था आई गेस, ठीक है? न्यू गेस न्यू रहेगा, थर्ड रहेगा चैट्स, एंड तीसरा था फ्रेंड्स, जो हमने फ्रेंड्स का कुछ बनाया नहीं था, तो हम चैट्स बनाएंगे, और थर्ड होगा फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स करके कुछ हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको लिंक से हम लोग काम भी करते हैं। तो हम बोलेंगे इसको अबाउट मी, इसको बोलते हैं कि अगर ये लिंक है, ये लिंक किसके लिए है? ये प्रोफाइल के लिए है। प्रोफाइल के लिए क्यों? जब हम चैट से ऊपर रहेंगे और न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली प्रोफाइल होम डायरेक्टरी पे आ जाएगा, सो दैट मुझे सेल जो चैट्स है मेरे जो नए प्रोफाइल्स है वो मुझे दिखेंगे। अब यहाँ पे भी आई विल डू द सेम, लिंक टू, और ये कहाँ पे होगा, ये स्लैश प्रोफाइल स्लैश चैट्स में होगा, ठीक है? तो ये मुझे वहाँ पे लेके जाएगा, और इस लिंक को हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। इफ़ आई गो अप फिल कम हियर, तो चैट्स में आऊँगा तो ये प्रोफाइल, लेकिन ये क्या चल रहा है? मैंने क्या लिखा है, मैंने कंडीशन ये लिखा है कि अगर नॉट ऑफ यूज़र डॉट नेम लगाया ना मैंने सिंपली, ठीक है? अगर मेरे नॉट ऑफ यूज़र डॉट नेम है तब ये करो, ओके, एल्स मुझे ये दिखाओ, ठीक है? अभी काम करते हैं, लॉग इन एंड लॉग आउट बटन भी बना लेते हैं सिंपली, बहुत सिंपल है ये भी, सिर्फ कंडीशनल रेंडरिंग करना है एंड काम भारी हो जाएगा सिंपल। देखो मैं डे बना रहा हूँ एक, सॉरी लेट नाइट कर रहा हूँ तो बढ़ता है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सिंपल एक रेंडरिंग लगा रहा हूँ कि अगर यूज़र का नेम एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब मैं लॉग इन हूँ, राइट? उसका मतलब मैं लॉग इन हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बटन रेंडर करूँगा, बटन रेंडर करूँगा, ठीक है? और बटन के ऊपर लगाऊंगा लॉग आउट, ठीक है? लॉग आउट लिखूंगा अगर मैं लॉग इन हूँ तो। एल्स क्या है, अगर मैं लॉग इन नहीं हूँ तो क्या? तो सिंपल लॉग इन करना भाई, ये कर दे, ये कर दे, ठीक है? अब इस बटन को मुझे स्टाइल देने हैं, एंड वैसे बटन को स्टाइल देने के लिए मुझे यही स्टाइल सही लगती है, यही स्टाइल। और ये क्या होगा, लॉग आउट का तो ऑन, ठीक है? तो मैं बोलूँगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक जब हो तब क्या कर दे, तब कर दे हैंडल लॉगआउट। अब हैंडल लॉगआउट क्या है मैंने बनाया नहीं है, तो मैं वो बता कि हैंडल लॉगआउट क्या है। तो मेक हैंडल लॉगआउट, हैंडल लॉगआउट का काम सिंपल है कि जो लोकल तूने जो लोकल स्टोरेज में तो टोकन स्टोर किया है उसको सिर्फ तुझे रिमूव कर देना। सो मैं वो कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट इज इक्वल टू, ये एसिंग फंक्शन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है? और बेसिकली क्या करना है इस फंक्शन का काम, इस फंक्शन का काम इतना है कि लोकल लोकल स्टोरेज जो है, ओके, लोकल स्टोरेज, हाँ यार, डॉट
रिमूव आइटम होता है, एक रिमूव जैसे हम सेट करते हैं वैसे रिमूव आइटम होता है, रिमूव आइटम का मुझे टोकन बस इतना करना है, तो ये टोकन कर देगा रिमूव। अब क्या करना मुझे, मुझे टोस्ट डॉट सक्सेस करना है क्या, लॉग आउट। ठीक है, डॉट सक्सेसफुल का मैसेज डाल दिया। एंड देन मुझे क्या करना है, नेविगेट करना है, नेविगेट के ऊपर करना है और लॉग इन करना है, लॉग इन पे करना है। ठीक है, और मुझे ये जो सेट यूज़र है उसको करना है नल, सिंपल। अब मुझे बताना पड़ेगा टोस्ट क्या है, मुझे बताना पड़ेगा नेविगेट क्या है एंड ऑल स्टाफ। तो मैं बोलूँगा कि टोस्ट क्या, तो बताता हूँ टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट कूल। चलो मैं इसको बताते हैं कि नेविगेट क्या है। तो बोला नेविगेट इक्वल यूज़ नेविगेट, यूज़ नेविगेट कॉल हुई था सेट को हमने ऑलरेडी बनाया। तो ये कुछ अभी चीज़ बन गई हमारी बस। चलो देखते हैं, अभी देखो लॉग आउट है लेकिन प्रोफाइल चैट्स ओपन है, ठीक है चलेगा। लॉग इन कर रहा हूँ, देखो अभी देखो मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ तो मुझे पहले ऐसे दिख रहा है, ठीक है मानना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेस्ट ईमेल डाल रहा हूँ 4567 8। अब मैं एक बार इसको विन को लॉग इन करता हूँ, देखो लॉग आउट हो गया, मेरा प्रोफाइल दिखने लगा, मुझे नए पेजेस दिखने लगे, न्यू चैट्स। ठीक है, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट सक्सेसफुल। ठीक है कूल, चल अच्छी बात है। अब मुझे क्या करना है, प्रोफाइल के ऊपर जब भी मैं जाऊँ तो बेसिकली मुझे ना कुछ यूज़र्स बनाने पड़ेंगे। अब वो यूज़र्स बनाऊँगा मैं सो दैट कि मेरे एम्प्टी एरे में वो दिखे, मतलब मैं बेसिकली एक फंक्शन बनाऊँगा। मतलब बेसिकली क्या होने वाला है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं कुछ डमी यूज़र्स क्रिएट करूँगा सो दैट कि हम प्रोफाइल पिक्चर्स में जब भी प्रोफाइल हिट करेंगे तो मैं क्या दिखाऊंगा कि मेरे प्रोफाइल में बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कुछ यूज़र्स दिखेंगे मुझे। तो वो यूज़र्स कहाँ से आऊँगा, तो उस यूज़र्स के मैं कुछ प्रोफाइल्स बनाऊँगा अभी। एंड मैं फटाफट वो डमी डेटा ऐड करता हूँ एंड आपको अभी मिलता हूँ। ठीक है, अब मेरे भाई देखो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर एक हम चेक ऑथ फंक्शन बनाते हैं जो कि हर टाइम रिलोड के बाद चेक करेगा कि हम ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, बिकॉज हमारे पास टोकन है फिर भी सब स्टेट्स क्या हो रहा है रिफ्रेश करते हैं, तो ब्राउज़र की पूरी स्टेट्स रिफ्रेश होती है एंड हमारी जो भी कंडीशनल ट्रेंडिंग चलती है वो स्टेट्स के ऊपर चलती रहती है। सो हमें ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा लॉजिक जिसके वजह से रिफ्रेश हो। अब क्या है, पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम इसमें इंटीग्रेट करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। हम छोटा मोटा तिगड़ा मिगड़ा लगा के ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ठीक है अभी के लिए, लेकिन आप जब जॉब में आप काम करो तो पूरा डेडिकेशन के साथ करो, बिकॉज़ वहाँ पे आपके पास जो रिस्क होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फटाफट जाते हैं और ऑथ कंट्रोलर में मिलते हैं, और ऑथ कंट्रोलर में हम आके एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं डैट इज़ चेक ऑथ। अब चेक ऑथ क्या काम करता है, वो ऑथेंटिकेशन चेक करेगा बेसिकली, बता दो कैसे। अब हम क्या बोलेंगे, देखो कॉन्स्ट कॉन्स्ट चेक ऑथ, ये बेसिकली टोकन जो है हमारा वेरीफाई करके हमें कुछ चीज़ें करेगा। तो मैं बोलूँगा एक एसिंक फंक्शन है जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के साथ डील करता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बोलूँगा कॉन्स्ट रिक्वेस्ट की आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। अब यहाँ से ना आपको आपकी आईडी मिलेगी, ठीक है, यूज़र आईडी भी लिख सकते हो। अब इसी क्या होगा, देखो जब आप जब सी एच ई मैं पहले स्पेलिंग गलत चेकआउट, अब चेकआउट फंक्शन क्या करेगा बेसिकली, देखो चेकआउट के ऊपर जब भी रिक्वेस्ट आएगी ना बीच में एक वेरीफाइड टोकन करके एक मिडलवेयर होगा, वो वेरीफाइड टोकन करके उस टोकन में से आपकी आईडी डिकोड करके इस फंक्शन पे पास करेगा, और इस फंक्शन पे हम आईडी को ले रहे हैं। जैसे ही आईडी को लेंगे हम आगे की बात करते हैं। अब वो वेरीफाइड टोकन बनाना है हमें तो उसका टेंशन मत लो। सो ट्राई कैच में पहले रैप करते हैं ताकि कोई ज़्यादा एरर्स आए तो इजीली टैकल हो। अब ट्राई कैच में डाले, हम बोलेंगे रिटर्न सिंपल 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 इज दैट कि रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस कितना है 500 और डॉट जेसन है दैट के, ठीक है सक्सेस फॉल्स है, मैसेज क्या है, मैसेज क्या है, मैसेज क्या है एरर डॉट मैसेज है। ठीक है चलो, अब मेन क्या क्या है, देखो मेरी रिक्वेस्ट की आईडी है, मेरे पास रिक्वेस्ट की आईडी आ रही है, इसका मतलब क्या, मेरा कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट करूँगा, मैं बोलूँगा यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, ओके और मैं इस आईडी जो है उसको डालूंगा। अब मैं इस आईडी से जब यूज़र को फाइंड करूंगा ये मेरी सब डेटा देगा, लेकिन मैं क्या कर रहा है, मुझे सब डेटा चाहिए बट पासवर्ड को छोड़ के। तो मैं ऐड करूंगा सेलेक्ट और मैं बोलूंगा यहाँ पे माइनस, ठीक है माइनस माइनस नहीं, इसका मतलब क्या,
कि सब डेटा दो बट पासवर्ड को छोड़ के। तो कौन से यूज़र में अब मेरे सब डेटा है, सो इफ़ यूज़र नहीं है तो मैं बोलूँगा यूज़र नॉट फाउंड। और क्या करूँ, मैं रिटर्न करूँगा रिस्पॉन्स डॉट एस टी स्टेटस और रिस्पॉन्स स्टेटस 200.json करूँगा एंड सक्सेस ट्रू, और मैं मैसेज भेजूँगा, मैसेज क्या भेजूँगा कि अब सिंपल मैसेज क्यों भेजी क्यों रहा हूँ मैसेज, बिकॉज जब चेक करेगा मैं उस पोस्ट को लगाऊंगा नहीं, डायरेक्टली डेटा में मेरा यूज़र पास हूँ सिंपल। ठीक है, मैं चेकआउट फंक्शन है, इस चेकआउट फंक्शन को इंटीग्रेट इंप्लीमेंट करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे कोड करना पड़ेगा एंड देन राउट्स के पास जाके ये बेसिकली गेट रूट होगा, मैं राउटर डॉट गेट होगा एंड गेट में स्लैश चेक ऑफ करके बनाऊंगा। मैंने जैसे आपको बताया कि चेकआउट में बीच में वेरीफाइड टोकन करके कुछ होगा, सो अभी वेरीफाइड टोकन ये क्या है, वो एक मिडलवेयर है, तो मिडलवेयर में आके एक वेरीफाइड टोकन बनाएंगे एंड उसके हिसाब से काम करेंगे। देखो मैं आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, सबको थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर मिडल वेयर में आके मैं क्या करूँगा, एक वेरीफाइड टोकन करके मैं फाइल बनाऊँगा वेरीफाई टी ओके तो मुझे। अब वेरीफाइड टोकन तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करूँगा, एक्सपोर्ट क्या सिंपल एक चीज़ करता हूँ मैं सिंपल पहले मैं कॉन्स जेबिलिटी इज इक्वल टू रिक्वायर जेसन टोकन रिक्वायर जेसन को। अब मैं फंक्शन कॉन्स वेरीफाई टोकन इज इक्वल टू ये होगा इसी फंक्शन है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट है, ये मिडल वेयर इसके पास रिक्वेस्ट कॉन्स होता है एंड आई डी एस विन। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं हेडर्स में टोकन करूँगा और उस टोकन को रिकॉर्ड करूंगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्स हेडर्स मैं बताऊँ हेडर्स इज इक्वल टू मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट में जो हेडर्स है और वो आ रहे किससे, ऑथोराइजेशन से, ठीक ऑथोराइजेशन से वो आ रहे हैं। अब वो क्या होगा प्रोजेक्ट आएगा मुझे, तो ठीक है मैं बोलूँगा कॉन्स टोकन इज इक्वल टू मैं बोलूँगा अगर मेरे पास हेडर्स है तो चलो हेडर्स को स्प्लिट करो, ठीक है, और स्प्लिट ऐसे करो वाइट स्पेसेस से, क्योंकि ऐसे ही टोकन आता है वाइट एक ब्लैक स्पेस से स्प्लिट करो और जो पहले नंबर का है ना वो चीज दे दो। वो तो क्या करें बेसिकली, मैं अगर आपको दिखाऊंगा ना तो मैं आपको एक्चुअली दिखाता ही हूँ कि कैसे ब्रेकआउट करें, तो ऐसे हमारे पास टोकन आ जाता है। अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ मैं बताता हूँ, मैं पहले मुझे लॉजिक कंप्लीट कर दो बताता हूँ। अब सिर्फ आप इतना याद रखो कि अभी मेरे पास एक टोकन मिल गया, ठीक है टोकन मिल गया, मैं टोकन आपको बाद में दिखाता हूँ कि कैसे डिकोड होता है वगैरह, ठीक है मैं मतलब कैसे आता है हमने क्या आगे किया गया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लॉजिक लगाऊँ कि ए मेरे पास टोकन नहीं है, टोकन ही अब भाई क्या कर, अब तू रिटर्न कर रेस्पॉन्स स्टेटस कर दे 400 भेज दे और वो अनऑथोराइज दे दूँ और जेसन मैं बोलूँगा सक्सेस फॉल्स है और मैसेज क्या है कि एक्सेस नहीं सिंपल एक्सेस कुल टोकन नहीं है। अभी क्या करो ट्राई कैच कर लो, इसका मतलब अभी तेरा टोकन है तक ट्राई कैच, ठीक है अगर एरर आता है तो क्या सिंपल कर दे रिटर्न कर दे रेस डॉट स्टेटस स्टेटस क्या है 500 डॉट जेसन और क्या भेज दे सॉरी सक्सेस हो जाए भाई एंड देन मिलेगा क्या तेरे को मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा एक मैसेज, मैसेज क्या है जो एरर भी होगा मुझे सोने की ज़रूरत है ऐसा लग रहा है मुझे, कल भी मैंने थोड़ा सा शूट किया था आज भी शूट कर रहा हूँ, ठीक है चले। अब हेड मेरे पास टोकन है, अब मुझे टोकन से वो निकालना है मेरी आईडी, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, मुझे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो वेरी कैसे करते हैं जी डब्ल्यू के पास एक मेथड होता है, तो मैं बोलूँगा कॉन्स डिकोडेड इज इक्वल टू मैं बोलूँगा जे डब्ल्यू डी डॉट वेरीफाई करो किसको वेरीफाई करना है, इस टोकन को वेरीफाई कर, लेकिन किससे वेरीफाई करो, चाबी चाहिए ना दरवाजे में पूरे अंदर जा भाई, लेकिन चाबी चाहिए ना दरवाजा खोलने के लिए, तो हाँ है ना चाबी प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट जे डब्ल्यू टी सीक्रेट में लिखी है, चल डन अभी डिकोड करेगा। अब मैं क्या करूँगा मैं पहले क्या बोलूँगा मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि डिकोडेड कैसे दिखता है, लेकिन सब ध्यान दो ठीक है। अब जो रिक्वेस्ट जो आईडी है रिक्वेस्ट आईडी वो मैं करूँगा डिकोडेड डॉट आईडी के बाद एंड हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, अगर मैं नेक्स्ट नहीं करूँगा वो रिक्वेस्ट यहाँ पे ही रुक जाएगा क्योंकि ये मिडल वेयर है, ठीक है मिडल वेयर है, जैसे भी इस राउट पे यहाँ पे वे टोकन पे आएगा ठीक है, पहले टोकन पे आया जैसे इसने वेरीफाई किया अगर ये नेक्स्ट नहीं बोलूँगा तो ये नेक्स्ट जब नहीं करेगा, ठीक है ये बात याद रखो। अब इसको नेक्स्ट करूँगा मैं करूँगा मॉड्यूल और एक्सपोर्ट्स देख लो ठीक है चल वेरीफाइड टोकन, बस वेरीफाइड टोकन को मैं यहाँ पे बुलाऊँगा और सिंपली एक बार दिखाता हूँ, अभी मैं यहाँ पर मैं आपको क्रेडिट आके दिखाता हूँ कि अब बैकएंड पे टेस्टिंग करें थोड़ा बहुत कैसे करनी चाहिए।
देखो मैंने बोला था कि आपको थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करना है। अब थंडर क्लाइंट में आपको थोड़ा सा बात समझाता हूँ। देखो वेरीफाई टोकन आ गया, ठीक है चलो। थंडर क्लाइंट को आपको ओपन करना है और इट वुड बी बेटर कि आप एक सेग्रीगेटेड का करो। आपको आना है कनेक्शन पे, ठीक है। देखो मेरा ऑलरेडी कोडेड रिएक्ट है बना हुआ, ठीक है। बोलिया वैसे आपको कुछ आप ऐसे बना सकते हो, मैं आपको आप एक नया कलेक्शन बना के दिखाता हूँ। सिंपल आपको करना है और न्यू कलेक्शन पर डायरेक्ट। न्यू कलेक्शन ये क्या कोड डेट रिएक्ट, ओके। मैं यूट्यूब, मैं कोडेड यूट्यूब कर देता हूँ, ठीक है। इस टाइम पे मेरी यूट्यूब, ठीक है। कोडेड यूट्यूब मैंने कलेक्शन बना दिया। सेपरेट काम करो सो दैट कि आपको सब अपनी दिखती है जो बातें हैं वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मंगाऊँगा और रिक्वेस्ट का ना मैं नाम दूंगा क्या, लॉग इन रिक्वेस्ट, ठीक है। अब लॉग इन रिक्वेस्ट है ये बाई डिफॉल्ट गेट है, मैं इसको पोस्ट करूँगा। मुझे लॉग इन कहाँ पर मारना है, http://localhost5000/apss लॉग इन पर मारना है। मैं इसके बॉडी के अंदर क्या दूंगा, मैं इसके बॉडी के अंदर दूंगा ईमेल। ईमेल क्या होगा मेरा, tester@test, ठीक है, @test.com, ठीक है। पोस्टमैन का है, मतलब पोस्टमैन जैसे ही है बट कैसे है, पोस्टमैन आपको साइड में, ठीक है। पोस्टमैन के लिए आपको थोड़ा सा और रिसोर्सेज लगेगा, तो उससे अच्छा VS कोड के अंदर ही आप ये कर सकते हो। पासवर्ड मैं दूंगा, इसका पासवर्ड मैं दे सकता हूँ 1234567, आपसे क्या छुपाना। अभी मैं जैसे ही सेंड कर रहा हूँ, आप देखो मुझे सक्सेस टू मिल रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल, मेरे को टोकन मिल रहा है। अब इस टोकन की वैल्यू मैं करूँगा कॉपी, ये पूरा ई तक, ठीक है, कॉपी किया। अब मैं इसमें और एक रिक्वेस्ट मंगाता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट, ओके। अब इस रिक्वेस्ट का नाम क्या है, तो इस रिक्वेस्ट का नाम, टोकन एक्सपायरी वगैरह हमने सेलेक्ट की क्या? नहीं दोस्त, हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया, देखिए मैं दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ बोलूँगा इसको चेक ऑथ वाला है, समझो रिक्वेस्ट है ये। अब चेकआउट वाला रिक्वेस्ट वाला गेट है, अब इसका एंटर URL करूँगा तो मैं बोलूँगा http ये चेकआउट, ठीक है, गेट। लेकिन इसके हेडर्स में ना, सॉरी ऑथ में हम BRR में जाएंगे और इस टोकन की वैल्यू पेस्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे मैं इसको सेंड करूँ, देखो देखो क्या आया, कुछ नहीं। लेकिन जैसे देखो मैंने ये टोकन की वैल्यू सेट की, ये आ गया। अगर समझो मैं टोकन की वैल्यू नहीं है, तो देखो क्या आया, एक्सेस डिनाइड आ गया, ठीक है। अभी मेरा टोकन है तो देखो क्या आया, ये आया। अब मैं आपको बताता हूँ बात क्या हो रही है, मैं आपको यहाँ पे ये चीज समझाता हूँ। देखो मैंने ऑथोराइजेशन से हेडर्स लाए, ठीक है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करता हूँ, हेडर्स फ्रॉम सेशन बन जाएगा, ये एक बन जाएगा। अब ये एरे में आपको पता है जीरोथ इंडेक्स से चालू होता है, तो ये मेरा जीरोथ इंडेक्स है, मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि इसको स्प्लिट करो स्पेस से और इसका फर्स्ट इंडेक्स दे दो, तो मेरा टोकन मुझे मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाएगा, ठीक है, टोकन मेरा फर्स्ट है। दिस इज़ हाउ वी आर ग्रैबिंग इट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट ऑथ कंट्रोलर के पास जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि जहाँ पे भी मैं टोकन बना रहा हूँ, लॉग इन पे टोकन बना रहा हूँ मैं, तो मैं इसमें एक्सपायर्स दिया ही नहीं, कि मैं बताया नहीं कि टोकन कब एक्सपायर हो रहा है, तो मैं बोलूँगा एक्सपायर्स, ठीक है,
कभी कभी ये सजेशंस केस में हम जाते हैं ना, तो एक्सपायर्स इन वन डे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक्सपायर्स इन कुछ ऐसे करता हूँ 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये समझो मैंने एक्सपायर्स इन 10 सेकेंड्स किया, ठीक है। अब मैं लॉगिन के पास आता हूँ, ये देखो सिंपल है। अब मैं इस लॉगिन रिक्वेस्ट के पास आता हूँ, मैं लॉगिन रिक्वेस्ट मारता हूँ। अब ये मेरा टोकन जो बना वो उसकी एक्सपायरी है 10 सेकेंड्स की, उसको कॉपी करूँगा। मैं चेकआउट के पास आऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे और इसको सेंड करूँगा JWT एक्सपायर्ड। मतलब जब तक मैं ये करता 10 सेकेंड्स हो चुके थे, ठीक है। और देखो JWT एक्सपायर्ड आ गया, ठीक है, एरर, ठीक है, कूल। और ये देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। मैंने आपको बोला ना कि बराबर आपको एरर भेजता है, तो ये ऐसा। देखो यार बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, हम अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। आई गो एंड कहाँ पे गया वो बहुत कंट्रोलर, मैं इसका 1 hr तक कर देता हूँ, ठीक है, 1 hr, 1 h कर देता हूँ, ठीक है। अब चेकआउट बेसिकली काम कर रहा है, मैं इसको क्लोज करूँगा। आप अभी सीख भी गए ये कैसे ठंडा क्लाइंट यूज़ करते हैं, सिंपल, दैट्स इट। अब मेरा लॉगिन वाला राउट काम कर रहा है, लेट्स इंटीग्रेट एंड सी। रुको नया बार में, अब बेसिकली चेक ऑथ जो राउट है, ठीक है, उसका अभी काम करते हैं हम थोड़ा। बस चेक ऑथ जो राउट है, हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस नया बार के अंदर, क्योंकि नया बार जो है वो सब कंपोनेंट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और बोले कॉन्स चेक ऑथ ऑल। अब ये क्या है, एक एसिंक रिक्वेस्ट है, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट कॉन्स रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, ठीक है, एक्सियोस, एक्सियोस करो, एक्सियोस है क्या इंस्टॉल्ड इसमें, नहीं है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करूँगा इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, मैं बोलूँगा सिंपली एक्सियोस तुम गेट रिक्वेस्ट मारो कहाँ पे, तो http://localhost5000 /API, अच्छा 500 होगा क्या, 5000 /API/checkout पे, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर इसको रिक्वेस्ट मारूंगा तो ये बराबर अनडिफाइंड जाएगा। एक्सियोस की जब गेट रिक्वेस्ट होती है उसमें सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड चीज़ है इसके कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैं बोलूँगा कि इसके पास हेडर्स रहेंगे। अब मैं देखो कैसे बेयरर टोकन में पास करता था ना, तो मुझे यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, मुझे हेडर्स में देना पड़ेगा कि ऑथोराइजेशन। भले हमने वहाँ पे स्मॉल ऑथोराइजेशन लिखा था, लेकिन आपको यहाँ पे यही करना पड़ेगा। देखो ये सिंपल सिंपल यही मैं चेक कर रहा हूँ सही में एग्जिस्ट करता है कि नहीं ऑथोराइजेशन। देखो बेटा बेसिकली बेयरर आपको लिखना है आगे, एंड देन आपको लोकल स्टोरेज से गेट आइटम करनी है टोकन को, ठीक है, यही करना है, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, सिर्फ आपका काम हो गया। फिर हम क्या करते हैं, कॉन्स डेटा इज इक्वल टू अवेट अवेट रेस्ट डॉट डेटा, ओके कूल। इफ डेटा डॉट SUCCESS इज ट्रिपल इक्वल टू ट्रू, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दैट के सेट यूजर, एक्चुअली आपको ये कर दो कि सेट यूजर करो, और इस यूज़र के अंदर आप क्या करो, डेटा के अंदर जो डेटा है वो डाल दो, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। और चेक यूज़र फंक्शन कब कॉल हो, जब यूज़ इफेक्ट रन हो, क्योंकि यूज़ इफेक्ट कब कॉल होता है, जब आपका कंपोनेंट एक बार एंटर होता है, तब मैं बोलूँगा यूज़ इफेक्ट लाता हूँ, ठीक है, यूज़ इफेक्ट का पूरा कोड, यूज़ इफेक्ट को कोड किया, एंड अब यूज़ इफेक्ट को एंड देन हियर वी हैव टू लाइक डिपेंड है, एम्प्टी छोड़ो बिकॉज एक टाइम ही रहो, एंड देन यहाँ पे क्या करो आप, चेक ऑथ को कॉल करो, बस इट, चेक ऑथ को कॉल किया आपने, कूल। अब इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और आई गो हियर लॉग इन पे, ठीक है, लॉग इन पे मैं बोलूँगा tester@test.com, ठीक है, पास ईमेल, अच्छा यहाँ पे मुझे पासवर्ड भी लिखना पड़ेगा, वो हम करते हैं। लॉगिन किया, देखो इसका ये आ गया, फिर मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। मैंने जैसे इसको रिफ़्रेश किया नथिंग हैपन्स, क्योंकि
बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, बिहाइंड द सीन्स ये हुआ कि स्टेट्स तो रिफ्रेश हुई लॉगिन करने रिफ्रेश करने के बाद, बट क्योंकि हमारे पास टोकन था, देखो आप नेटवर्क टैब में, अब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे चेक आउट पे रिक्वेस्ट मार रहा है, ठीक है। अब चेक आउट पे रिक्वेस्ट मार रहा है, जैसे चेक आउट पे इसने रिक्वेस्ट मारा, ठीक है, देखो क्या क्या गया, प्रीव्यू किया हमने बेसिकली, हमें क्या क्या मिला, देखो हमें रेस्पॉन्स में ये मिला, सक्सेस ट्रू मिला, डेटा ये मिला, ठीक है, कूल, दैट्स इट, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे आपको भेज देता हूँ, मैं एक दूसरा प्रोफाइल बनाया था कि raj@test.com आई गेस, test.com मैंने डमी अकाउंट बनाया था बाद में, 678। और मैं इसको लॉग इन करूँ तो देखो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल दिखेगी 429, ये न्यू, यहाँ पे चैट्स। अब हम क्या बोलते हैं कि जो भी यूज़र्स है, ठीक है, जो भी यूज़र्स है उनको गेट करने का एक राउट बनाते हैं, ठीक है, वो करते हैं। अब गेट करने का उसका क्राउड बनाते हैं, तो मैं नावार को आई गेस क्लोज करूँगा तो चलेगा, मुझे यहाँ पे प्रोफाइल को खोलना पड़ेगा। एंड ऑथ कंट्रोलर मेरा इधर तक ही था, अब मैं यहाँ पे एक यूज़र कंट्रोलर बनाता हूँ बेसिकली। गाइस मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, बहुत कोड। चलो वेरीफाई टोकन ये भी क्लोज करता हूँ, ठीक है, चालू है क्या OBS, यहाँ पे आओ एंड आपको कंट्रोलर्स में आके यहाँ पे आपको एक यूज़र कंट्रोलर बनाना है, TROWER यूज़र कंट्रोलर JS बनाए। अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ओके सॉरी कॉन्स्ट यूज़र, ओके यूज़र करना है इज इक्वल टू रिक्वायर यूज़र, ठीक है। अब यूज़र कहाँ से लाऊंगा, /db/models में रहेगा आई गेस, मॉडल्स में, अरे यार सजेशंस कम फास्ट यार, यूज़र्स, ठीक है। चल अब पहला राउट होगा मेरा गेट राउट, तो मैं बोला कौन सा, गेट यूज़र्स इज इक्वल टू, ठीक है, गेट यू इज इक्वल टू एसिंक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन एसिंक। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे ट्राई कैच लगाऊंगा, ट्राई मैं सजेशन देखूंगा, कैच एरर करूंगा एंड मैं रिटर्न करूंगा और रिटर्न करूंगा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस करूंगा पसो डॉट जेसन, जेसन करूंगा सक्सेस, सक्सेस टू सक्सेस फॉल्स और मैसेज होगा एरर डॉट मैसेज, ठीक है। तो ये मेरा ट्राई कैच होगा। अब इसी लेट यूजर्स के लिए क्या करूंगा, मैं सब कुछ कौन से यूजर्स से पूरे यूजर्स को फाइंड करूंगा, तो मैं बोलूंगा कैसे अवेट यूजर डॉट फाइंड, ओके इसको किया मैंने ऐसे फाइंड एंड देन मैं बोलूँगा इफ़ नॉट यूजर्स, इसका मतलब क्या मेरे डेटाबेस में एक भी यूज़र नहीं है, तो मैं बोलूँगा नॉट ऑफ यूजर्स, तो मैं सिंपली क्या करूँगा रिटर्न करूँगा रेस डॉट और स्टेटस करूँगा 404 और जब जेसन करूँगा और बोलूँगा सक्सेस सक्सेस फॉल्स और मैसेज जो है दैट इज़ यूजर्स नॉट फाउंड, ठीक यूजर्स नॉट फाउंड सिंपल। और मैं अगर ये यूज़ मिलते हैं मैं रिटर्न करूँगा रेस डॉट स्टेट स्टेटस करूँगा
एंड आई से की फिर दो यूजर्स दिस सक्सेस मिल रहा है। ओके डेटा डॉट यूजर्स डेटा में यूजर यूजर्स मिल रहा है ठीक है। चलिए गेट ग्रेट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया और मैं बोलूँगा गेट यूजर्स को एक्सपोर्ट करना है मुझे ठीक है। अब राउट के पास आएंगे है क्या प्रॉपरली गेट यूजर्स एक्सपोर्ट हुआ हो गया ठीक है। राउट के पास आएंगे अब हमारे यहाँ पे यूज़र राउट्स चालू हो जाते हैं सिंपल बोला राउटर डॉट गेट। पहला राउट ही क्या है, पहला राउट ही है मेरा मतलब गेट यूजर है अभी, तो मैं स्लैश करता हूँ गेट यूजर्स। ओके गेट यूजर्स के बाद एंड आई गेट यूजर्स वो है। अब मैं चेक करता हूँ कि गेट यूजर्स इम्पोर्ट है, अभी वो इम्पोर्ट। अभी अगर मैं आपको थंडरबर्ड पे एक रिक्वेस्ट मार के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मारूँगा न्यू रिक्वेस्ट लाइक गेट यूजर करके और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि SDP। ओके तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली गेट यूजर्स करूँ और अगर मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूँ, ओके कनेक्शन रिफ्यूज अच्छा है कनेक्ट व्हाट वाज दैट, अच्छा 3000, अच्छा 3000 पे नहीं है ना 5000 पे ठीक है। सो अगर मैं इसको सेंड करूँ तो देखो मेरे पास जितने भी यूज़र्स हैं सबका मुझे डेटा मिल रहा है ठीक है, दैट्स इट। तो मुझे अभी वो क्या करना है, मुझे प्रोफाइल वाले इसमें जाना है एंड उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉल करना है मुझे, भाग्य करना है ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल वाला मेरा पेज कहीं पे है, मैंने प्रोफाइल वाला पेज आई गेस बनाया ही नहीं है। प्रोफाइल प्रोफाइल किधर है, प्रोफाइल यहाँ पे कहाँ पे है, प्रोफाइल पेजेस में है मेरा प्रोफाइल कुल। अब प्रोफाइल के अंदर मुझे कुछ चीज़ें लिखनी है ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्स्ट गेट यूजर्स फंक्शन लिखता हूँ, ये एक एसिंक फंक्शन होगा। ओके ओके कुल ओके गेट यूजर्स फंक्शन है, ये एसिंक फंक्शन है। मैं ना कॉन्स्ट रेस्ट इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, मैं एक्सियोस में एक गेट रिक्वेस्ट मारूंगा ठीक है। देखो मैं एक काम करता हूँ फटाफट इम्पोर्ट करता हूँ एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि एक्सियोस तो गेट रिक्वेस्ट मारो /http/local/5000/API/get-users। अब जैसे रिक्वेस्ट करूँगा आई विल गेट डेटा, सो मैं बोलूँगा कॉन्स डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस डॉट डेटा, अवेट रेस डॉट डेटा ठीक है। अब क्या करूँगा मैं बेसिकली, अब चीज़ होती है कि मुझे डेटा के अंदर से डेटा ग्रैब करना है, तो मैं बार बार डेटा डॉट डेटा लिखने से अच्छा मैं इसको डिस्ट्रक्ट करके डाल जाता हूँ, सिंपल है ठीक है। चलो अब तो क्या होगा, अब मैं यूज़ करूँगा सब प्रोफाइल देखेंगे, तो मैं मुझे करना है मुझे बाकी के प्रोफाइल देखने ना, खुद का प्रोफाइल देख के लाइक थोड़ी करूँगा, प्रॉब्लम सेंसर। तो अभी हम ऐसे कुछ चीज़ लिखते हैं जिससे आपका डेटा जो है एक्चुअली फ़िल्टर हो, कि आपका प्रोफाइल छोड़ के आप बाकी के सब की जो चीज़ें हैं वो आ जाए ठीक है। और हमें ये भी लॉजिक लिखनी है कि जो भी मैं डेटा जिसको भी मैं लाइक कर रहा हूँ बेसिकली मुझे कौन से प्रोफाइल दिखे, पहली पेज मुझे मेरा प्रोफाइल छोड़ के या फिर मैंने जो डिसलाइक किया है उसको छोड़ के और जिसको मैंने लाइक किया है उसको छोड़ के, मतलब बेसिकली एक आपका डेटिंग एप्लीकेशन आप किसको देखोगे ठीक है, आप किसको देखोगे मुझे बताओ, कोई नई चीज़ को देखोगे ना, खुद के प्रोफाइल को देख के कभी लाइक करोगे नहीं करोगे, दूसरों को देखना आप ऐसे यूज़र्स को लाइक करोगे क्या जिसको आपने पहले ही लाइक किया है, ऑब्वियसली नहीं क्योंकि आपके पास आपने उसको ऑलरेडी लाइक किया है, क्या सेंस बनता है। सेकेंड जिसने आपको डिसलाइक किया है आप चाहते हो क्या वापस से आपको दिखे, नहीं। सो हमें एक ऐसा फंक्शन भी बनाना पड़ेगा इसके आगे जो कि जैसे ही हमारा डेटा आए वो फिल्टर कर दे चीज़ों को कि किसको तुमने लाइक किया है किसको तुमने नहीं लाइक किया है ठीक है। मतलब जिसको तुमने लाइक और नहीं लाइक किया है, मतलब लाइक किया भी है और लाइक नहीं भी किया, वो चीज़ों को तुम साइड में करके बाकी के सब प्रोफाइल दिखाओ, दैट्स द गेम। सो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि एक छोटा सा हम यहाँ पे स्टेट्स बनाते हैं, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट मैं बोलूँगा यूजर्स सेट यूजर्स करूँगा ठीक है।
और यूज स्टेट करूंगा। कुल और ये एम्प्टी एरे होगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, हमें यूज़र भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर अगर हमें चेक करना है कि मेरी आईडी उसमें है कि नहीं, इसका मतलब क्या मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, लाइक ठीक है ना। तो उसके जब मैं लॉग्ड इन हूँ तभी मेरे पास मेरी आईडी है मेरे ब्राउज़र में। सो मैं और कॉन्स्ट कॉन्स्ट यूज़र, ओके, यूज़र इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग में ही ग्लोबली कर दिए थे सेटअप। यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड ऐप कॉन्टेक्स्ट, ऐप कॉन्टेक्स्ट, गुड। अब मेरे पास मेरा यूज़र्स है, ठीक है। अब बेसिकली मैं यहाँ पे आके मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन फिल्टर्ड FILTRD, फिल्टर्ड यूजर्स इज इक्वल टू जो मेरा डेटा है डेटा डॉट फिल्टर करूँगा, ओके। अब फिल्टर यूजर्स को फिल्टर करूँगा, ठीक है। और कैसे यूजर्स को फिल्टर करूँगा, जिसमें यू डॉट आईडी है वो नॉट डबल इक्वल टू होगी, नॉट डबल इक्वल टू होगी मेरे जो यूज़र है ओके अंडरस्कोर आईडी के बराबर, ठीक है। मतलब ठीक है, इसका मतलब क्या, आपकी आईडी है वो नॉट इक्वल टू आईडी होनी चाहिए, इसका मतलब बाकी सबकी आईडीज, ठीक है। अल्सो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, अल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि नॉट ऑफ यूज़र डॉट डिस, तो मुझे ऐसे कुछ करने डॉट DISLIK डॉट डिसलाइक डॉट ILUDE ES डॉट इंक्लूड्स यू डॉट अंडरस्कोर आई। मतलब भाई मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक तो यूज़र की आईडी मेरे यूज़र की आईडी के बराबर नहीं होनी चाहिए, ऐसे यूज़र्स दो। फिर मेरे यूज़र डॉट डिसलाइक के अंदर ये आईडी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बचता क्या है, एंड एंड नॉट ऑफ यूज़र, ठीक है, डॉट आईडी डॉट फेवरेट्स डॉट और इंक्लूड होनी चाहिए इस यूज़र के, तो मेरे फेवरेट्स के अंदर भी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, डिसलाइक्स के अंदर भी नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, और इसका लाइक है ना राइट, पर मेरे आईडी के अंदर भी नहीं। तो इसका मतलब क्या, इतना सा फिल्ट्रेशन के बाद जो भी मेरे यूज़र्स हैं वो कौन से हैं, ऐसे यूज़र्स हैं जिनको मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सेट यूज़र करेंगे एंड वी विल से फिल्टर्ड यूज़र्स, ठीक है। कूल, अब हमारे पास अच्छे खासे फिल्टर्ड यूज़र्स। अब मैं आपको एक कंसोल डॉट लॉग देता हूँ, ओके okay, और मैं यूज़ करूँ, ठीक है। अब हम अगर अच्छा, तो हमें ये गेट यूजर्स फंक्शन जो है वो करना पड़ेगा, और गेट यूज फंक्शन कब रन हो, यूज इफेक्ट के बाद, यूज इफेक्ट से बिल्कुल 2 मिनट, ये ऐप कॉन्टेक्स्ट भी इसको होने दो पहले। अरे यार इट्स क्वाइट स्लो ऐप कॉन्टेक्स्ट, एंड इसको मुझे डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तब आई गेस बराबर आएगा, क्योंकि मैं कॉन प्रोवाइडर भी कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ, गुड। और यूज इफेक्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ठीक चीज़ गेट यूजर्स को कॉल करना। नाउ इफ आई गो हियर, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टोकन है, ठीक है, मेरे पास टोकन है, मेरे प्रोफाइल्स आ गई, मैं कंट्रोल ट्राई कर रहा हूँ, एंड मैं इस कंसोल में से देखना चाहता हूँ, दैट्स इट, अरे एम्प्टी वाई, मुझे एम्प्टी अरे क्यों मिल रहा है, अच्छा कुछ एंट्रीज डिफाइंड और नल बताइए। मैं काम करूँ, मैं इस फिलहाल के लिए ब्लैंक करता हूँ, और यूजेस
या फिर डेटा कर देता हूँ। अब देखते हैं, तो मेरे पास 6 एंट्रीज आ रही है, ठीक है अपन करते सॉल्व, करते सॉल्व।